हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में एक लेक्चर दिए थे जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, थोड़ा लंबा लेक्चर था, तो आई होप उसको आप लोग पूरा देखे होंगे। ठीक है, अगर उसको नहीं देखेगा ना पूरा, तो फिर उसमें बहुत सारा ऐसा पॉइंट था ना जो आप लोगों को काम का चीज था। तो अगर नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले उसको देखिए, पार्ट वन करके डाला हुआ होगा इंट्रोडक्शन, इसके बाद ही इस लेक्चर को स्टार्ट कीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा समय ही लगे, यानी बाद में ही देख लीजिए, कोई बात नहीं है, बाद में ही देख सकते हैं, लेकिन देखिएगा, सीरीज से देखिएगा। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को सीरीज से प्रोवाइड करवाएं, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो देखने में। अगर आप लोग नहीं देखिएगा तो आपका गलती है, ठीक ना। आप लोग देखिए, समझिए, पढ़िए, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। देखिए, ये भी लेक्चर लंबा होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में जो टॉपिक वन है, चैप्टर वन है, उसको फाइनली ही खत्म कर दे। पूरे जितना भी इससे होगा, इसमें हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, साथ साथ इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो न्यूमेरिकल हम लोगों का लास्ट में होगा, जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब तो न्यूमेरिकल सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो न्यूमेरिकल लास्ट में, उसके पहले कॉन्सेप्ट। तो देखिए, जो हम लोगों को पार्ट छूटा हुआ था उसको हम लोग आगे ले चलते हैं। हम लोगों का पार्ट था सिस्टम ऑफ फोर्स छूटा हुआ था, तो सिस्टम ऑफ फोर्स के बारे में समझते हैं, क्या होता है सिस्टम ऑफ फोर्स। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि सिस्टम ऑफ फोर्स मतलब कि फोर्सों का एक सिस्टम, यानी बलों का एक समूह। सिस्टम ऑफ फोर्स मतलब यही होता है, किसी भी चीज का सिस्टम मतलब फोर्सों का एक सिस्टम, फोर्सों का डिफरेंट डिफरेंट तरह का। देखिए, फोर्स तो ठीक है, फोर्स फोर्स ही है, उसी को बस केवल कैटेगराइज कर दिया गया है। अब मतलब कौन सा बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है कि फोर्स लग कहां रहा है, कहीं एक पॉइंट पे लग रहा है, या एक प्लेन पे लग रहा है, या जहां तहां फोर्स लग रहा है, यही है फोर्स। तो देखिए, इसको ना पहले फोर्स सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहने का मतलब कि फोर्स सिस्टम ऑफ फोर्सेस का किसको हम लोग बोल सकते हैं, कहीं एक कोई प्लेन है, प्लेन मतलब कि ये क्या है, ये कोई प्लेन है, इस पे हम एगो एने से ठोक रहा है, 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 तो क्या है, ये एक ही प्लेन था, एक ही प्लेन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे, तो यानी डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगा रहे हैं, तो वही है नंबर्स ऑफ मेनी फोर्सेस, यानी सिस्टम ऑफ नंबर्स ऑफ मेनी फोर्सेस, या ग्रुप ऑफ मेनी फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए बॉडी या ऑन ए ऑब्जेक्ट, यानी डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस, मेनी फोर्सेस अगर कोई भी एक बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वही क्या होता है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। वही देखिए, डिफिनेशन थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, डिफिनेशन क्या है कि वेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, कोई भी एक बॉडी है जिस बॉडी पर दो या दो से अधिक फोर्सेस अप्लाई हो, वही है कि वेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी दे आर कॉल्ड टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ ए फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ ए फोर्स बोलेंगे। यानी वेन टू और मोर देन फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन ए बॉडी या ऑन ए ऑब्जेक्ट इज नोन एज सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ठीक है, यहाँ तो हम लोग समझे कि बहुत सारा फोर्स लगा रहे हैं, तो बहुत सारा फोर्स लगा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारा फोर्स लगा रहे हैं करने का मतलब क्या क्या, कैसे कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक आदमी है, इंसान है, उसको ना लोग मार रहा है, पूरा सगरों से मार रहा है, इधर से भी सगरों से मार रहा है। तो देखिये, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट मेनी फोर्सेस, अलग अलग टाइप का फोर्सेस अप्लाई हो रहा है, और कहां पे अप्लाई हो रहा है, कहीं एक पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है। क्योंकि हम लोग क्या, मेरा एक बॉडी अगर हमको चारों तरफ से मारने लगेगा, तो हम लोग को हमको क्या लगेगा, कहीं ना कहीं एक हम छोटा सा ही ऑब्जेक्ट है और सब कोई हमको मार रहा है, तो फोर्स कहां पे जाके लग रहा है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे लग रहा है फोर्स। फोर्स इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे कि आप लोग अगर ये करते होंगे, जैसे कि देखते होंगे कि जब कंबल बनता है ना, कंबल बनता है या निहाली बनता है, जिसको तोशक बोला जाता है, वो बनता है ना, तो उसमें देखिएगा, जिस समय वो बनाता है ना, तो रुआ उसमें रहता है, रुआ को पूरा पीटता है, एकदम पूरा पीट पीट के लंबा चौड़ा कर देता है। तो देखिए, वो क्या है, वो एक प्लेन टाइप का है ना, पूरा प्लेन कंबल या तोशक जो भी, वो पूरा प्लेन टाइप का, उसमें फोर्स अप्लाई करता है, वो डंडा से फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो देखिएगा, कहीं एक जगह पे फोर्स नहीं अप्लाई करता है, यहां मारेगा, उधर पूरा ठोकेगा सब जगह, लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्लेन सेम ही है, यानी प्लेन सेम है
और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फोर्सेस लग रहा है। तो दो तरह से फोर्सेस डिफाइन कर दिए, क्लासिफाई कर दिए कि मेनी मेनी फोर्सेस कहीं एक जगह पे लग रहा था, यानी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहा था, और मेनी मेनी फोर्सेस क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक प्लेन पे लग रहा है, कोई ना कोई एक प्लेन पे। तो यही दोनों में कैटेगराइज में कर दिए और उसी के बेसिस पे पूरा फोर्सेस ऑफ सिस्टम को डिवाइड किया हुआ है। और एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो जैसे अगर आप लोग के घर में वो जो होता है ना चारपाई होता है, जिसको खटिया बोला जाता है, खटिया या खटुला ऐसे ही कुछ बोला जाता है, आप ही लोग से रिलेटेड एग्जांपल लेंगे ताकि आप लोग उस चीज को अच्छे से समझ सके, ठीक ना। तो देखिए उसमें क्या है ना कि अगर आप चार वो आदमी खाटी पर चढ़ जाइएगा ना, तो देखिएगा उसमें जो रस्सी रहता है ना, वो रस्सी क्या होगा ना, नीचे दब जाएगा, या उसका जो पावा और ये जो ऐसे होता है ना जोड़ा हुआ रहता है ना, वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, मतलब ऐसे बेंड हो जाएगा थोड़ा सा। तो वहां पे क्या है, वहां पे भी ध्यान रखिए कि डिफरेंट डिफरेंट लोग उस पे जाके खड़ा हुए, लेकिन प्लेन क्या है, प्लेन एक ही है, चारों जो पाया है ना, चारों पाया एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो जितना भी फोर्स लग रहा है उस सब जगह यानी उस प्लेन पे सबका फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अगर मान लेते कि सब लोग एक ही जगह लाके मतलब कि खाटी पे या जो भी है एक ही जगह लाके सब लोग खड़ा हो गया ना, तो वहां पे देखिएगा ना कि नीचे थोड़ा धस जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे कि सब फोर्स को हम लोग अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हैं, चाहे तो सब फोर्स को एक जगह कंसंट्रेट कर सकते हैं, या तो चाहे तो हम लोग जितना भी मेनी मेनी फोर्सेस था कोई एक प्लेन पे क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। इसी तरह इसी के बेसिस पे सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्लासिफाई है। या नहीं तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे कभी कभी देखते होंगे सर्कस में ना कि हाथी चढ़ जाता है किसी के छाती पर और लोग समझ बोलता है कि चलो ये जादू है। तो लेकिन देखिएगा उस समय डायरेक्ट वो पैर उसके छाती पे नहीं रखता, उस पे क्या रखा हुआ रहता है ना, एक रखा हुआ रहता है पूरा प्लेन, एक मतलब चौड़ा सा उसके छाती पे रखा हुआ रहता है, उस पे पैर रखता है। वहां पे प्रेशर का भी कुछ कुछ नियम अप्लाई होता है, लेकिन ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस वहां पे भी वो बहुत भारी रहता है हाथी, लेकिन वहां पे क्या होता है टोटली फोर्स क्या हो जाता है पूरा प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके चलते एक जगह पे कंसंट्रेटेड कम होता है फोर्स। तो यही अब जैसे देखिए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफाई करते हैं, तो देखिए फोर्स को ना दो तरह से क्लासिफाई किया गया, पहला हम लोग बोलते हैं को प्लेनर फोर्स और दूसरा बोलते हैं नॉन को प्लेनर फोर्स। देखिए को प्लेनर मतलब कि जितना मेनी मेनी फोर्सेस है कोई ना कोई वो एक प्लेन पर लगे, प्लेन कहने का मतलब ना हम बार बार बोल रहे हैं प्लेन शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, प्लेन कहने का मतलब कि सरफेस, एक सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लगे, जैसे कि ये सरफेस हो सकता है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग सकता है, यहां 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 पूरा फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, इधर पूरा ठोक रहे हैं। जैसे नहीं तो चादरा देखिए, एक चादरा है मतलब कि स्टील का या लोहा का चादर है, उस पे क्या वो प्लेन तो एक ही प्लेन है ना, उस प्लेन पे क्या करें हम लोग सब जगह पीट पीट के पूरा चौड़ा कर रहे, तो वो भी क्या हो जाएगा को प्लेनर ही हो जाएगा। तो वही है फोर्सेस ऑफ सिस्टम को दो पार्ट में बांटा हुआ, पहला को प्लेनर और दूसरा नॉन को प्लेनर, यानी को प्लेनर फोर्सेस और नॉन को प्लेनर फोर्सेस, यानी कि एक कभी जब फोर्स एक प्लेन पे लग सकता है या नहीं तो प्लेन अलग अलग प्लेन पे फोर्सेस लग सकती है, अलग अलग मतलब ऑब्जेक्ट पे या अलग अलग एरिया पे लग सकती है फोर्सेस। अब उसी के बेसिस पे को प्लेनर को भी चार पार्ट में हम लोग डिवाइड किए। अब देखिए को प्लेनर में भी अब ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि एक वो सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही वो सरफेस दिया हुआ रहेगा और उसी सरफेस पे सब फोर्स एक ही जगह कंसंट्रेटेड हो जाए, इस तरह से भी हो सकता है। तो अभी हम लोग और उसको कैटेगराइज करेंगे। तो देखिए को प्लेनर को दो पार्ट में चार पार्ट में बांटा गया, पहला होता है को लीनियर, अब ये को लीनियर फोर्सेस क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, दूसरा क्या होता है कनकरेंट फोर्सेस। देखिए कनकरेंट फोर्सेस क्या होता है, यानी ये सब को प्लेनर का पार्ट है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं को लीनियर को प्लेनर फोर्सेस, या बोल सकते हैं को प्लेनर को लीनियर फोर्सेस, को प्लेनर कनकरेंट फोर्सेस, को प्लेनर पैरालेल फोर्सेस, को प्लेनर नॉन कनकरेंट नॉन पैरालेल फोर्सेस, ठीक, क्योंकि इसी का पार्ट है तो इसको हम लोग आपस में कनेक्ट कर दिए। नॉन को प्लेनर फोर्सेस मतलब कि कनकरेंट फोर्सेस, अब इसमें भी हो सकता है नॉन को प्लेनर फोर्सेस मतलब कि नॉन को प्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, नॉन को प्लेनर पैरालेल फोर्सेस, नॉन को प्लेनर नॉन कंकरेंट नॉन पैरालेल
फोर्सेस, यही हम लोग का सिस्टम ऑफ फोर्सेस का टाइप है। सिस्टम ऑफ फोर्सेस को दो टाइप में, कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर। तो देखिए नॉन कोप्लेनर को उतना हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है, पढ़ना नहीं है। बेसिकली यही वाला जो टॉपिक है ना, यही कोप्लेनर कंकरेंट पैरालेल नॉन कंकरेंट नॉन पैरालेल फोर्सेस, यही वाला को हम लोग को ज्यादातर डिफाइन करना है। इसमें एक करके देखेंगे कि कोलिनियर क्या होता है, कंकरेंट। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कोप फोर्सेस ऑफ सिस्टम तो समझ गया कि क्या क्या। अब हम लोग देखते हैं कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर किसको बोलते हैं। कोप्लेनर किसको बोलेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस हो और कहीं ना कहीं एक ही प्लेन पे, एक ही प्लेन का आने का मतलब कि सब आपस में कनेक्टेड हो, वैसा जगह पे फोर्स लग रहा हो। अब ऐसा नहीं कि सब फोर्स एक ही जगह लग रहा हो, कहीं भी लग सकता है लेकिन सेम प्लेन होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। और नॉन कोप्लेनर फोर्सेस क्या, डिफरेंट 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 प्लेन हो सकता है। एगो ये प्लेन रहेगा, ये प्लेन रहेगा, एगो इधर रहेगा, इधर रहेगा, लेकिन सब आपस में कनेक्टेड नहीं रहेगा, तो कहीं पे भी फोर्स लगाइए फिर वो नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हो जाएगा। उसी तरह देखिए कोप्लेनर फोर्सेस का डिफिनेशन है, कोप्लेनर फोर्सेस का डिफिनेशन है, इफ इन ए सिस्टम ऑफ If in a system of all the forces lies in a same plane, देखिए कोई भी एक सिस्टम है, मतलब फोर्सेस का सिस्टम है, अगर सब फोर्सेस का सिस्टम एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, लाई इन ए सेम प्लेन, देन द फोर्स सिस्टम इज नोन एज कोप्लेनर। तो हम लोग बोल सकते हैं उस फोर्स सिस्टम को बोल सकते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। जैसे आप लोग ना बाइक से जाते होंगे, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, बाइक से जाते होंगे ना तो बाइक पे देखते होंगे ना कि सीट तो एक ही रहता है, सीट एक ही रहता है ना, यानी क्या वो सीट तो एक ही प्लेन है, उस प्लेन पे चार पांच को लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। तो क्या सब चार पांच लोग बैठते हैं तो क्या सबका सेम फोर्सेस रहता है? नहीं, कोई पतला लोग होते हैं, कोई मोटा लोग होते हैं, कोई छोटे लोग होते हैं, कोई बड़े लोग होते हैं, तो सबका अलग अलग फोर्सेस लगता है। तो सब फोर्सेस लग कहां रहा है, सब फोर्सेस लग रहा है एक ही प्लेन पे, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कोप्लेनर फोर्स। सिंपल, आई होप समझ में आ गया। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस किसको हम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं इफ इन ए सिस्टम ऑफ ऑल द फोर्सेस लाइज इन ए, यहां सेम प्लेन नहीं रहेगा, लाइज इन ए डिफरेंट प्लेन, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन, देन द फोर्स सिस्टम इज नोन एज नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं ये जो कोप्लेनर है, ठीक है एगो एक ही प्लेन पे फोर्स लग रहा है, लेकिन कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस अब क्या होगा। देखिए कोलिनियर क्या होता है ना, लिनियर मतलब कि एक ही डायरेक्शन में, यानी जिसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, लाइन ऑफ एक्शन एक ही डायरेक्शन में हो। अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, पहले वाला लेक्चर में पूरा अच्छे से डिस्कस किए कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। तो जिसका लाइन ऑफ एक्शन एक ही डायरेक्शन में हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर। कनकरेंट किसको बोलते हैं, कनकरेंट किसको बोलते हैं, कनकरेंट उसको बोलते हैं कि जितना लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हो एक जगह आपके क्या कर रहा हो, मिल रहा हो। कनकरेंट मतलब कि एक जगह आके मिलना, लेकिन प्लेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पैरालेल फोर्सेस मतलब कि पैरालेल फोर्सेस रहेगा, जैसे कि आप लोग वो खेलते होंगे, जैसे कि पार्क में जाते होंगे ना तो इन्हें बैठते होंगे ना तो ऐसे उठ जाता होगा, उधर बैठते होंगे ना तो उन्हें अगर वो थोड़ा नीचे दबाता होगा तो आप ऐसे ऊपर उठ जाते होंगे। तो वो क्या, प्लेन तो एक ही प्लेन है, लेकिन क्या फोर्स, देखिए कभी ये ऊपर फोर्स लगाता है तो कभी ये नीचे, यानी दोनों एक दूसरे का क्या होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है, यही है पैरालेल फोर्सेस। समझे, आई होप समझ चुके होंगे। फिर नॉन कंकरेंट नॉन पैरालेल फोर्सेस, नॉन कंकरेंट नॉन पैरालेल फोर्सेस मतलब कि ना तो एक पॉइंट पे लगेगा ना वो एक दूसरे को पैरालेल रहेगा, कभी इन्हे काटेगा तो कभी इन्हे काटेगा, ऐसे करके इधर उधर बिखरेगा। तो एक एक करके समझते हैं, को प्लेनर फोर्सेस तो समझ गए कि ठीक है एक प्लेन में ही होना चाहिए, ये सबका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। देखिये को प्लेनर फोर्सेस मतलब एक ही प्लेन में फोर्स लगना चाहिए। अब को प्लेनर को लिनियर फोर्सेस मतलब एक ही प्लेन में सब जितना भी फोर्स लगेगा सब एक ही प्लेन में होना चाहिए और एक ही लीनियरली होना चाहिए, यानी लाइन ऑफ एक्शन हो सबका एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक, अब कनकरेंट फोर्सेस क्या बोलेंगे, जितना भी यानी प्लेन तो एक ही रहेगा, अब जितना भी फोर्सेस लग रहा है सब फोर्सेस क्या हो एक जगह आके लगना चाहिए। यानी जैसे देखिए ना ये क्या, ये एक बड़ा सा पत्थर है,
बड़ा सा पत्थर है, इसको इधर से भी धक्का दे रहा है, इधर से भी धक्का दे रहा है, इधर से भी सगड़ों से धक्का दे रहा है, तो पता चल रहा है कि सब जाके जितना सबका फोर्स है, सबका लाइन ऑफ एक्शन एक जगह पे आके मिल जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंकरेंट फोर्सेस बोलेंगे। कोलिनियर फोर्सेस किसको बोलेंगे, कोलिनियर फोर्सेस मतलब सब एक ही लाइन में लग रहा हो, जैसे कि ये वो कोई बड़ा सा के ऐसे बेंच है, इन्हू से धक्का दे रहा है, इन्हू से धक्का दे रहा है, ऐसे कर, तो सब क्या रहा, सब सेम डायरेक्शन में इधर ही भाग रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कोलिनियर फोर्सेस। पैरालेल फोर्सेस किसको बोल सकते हैं, देखिये ये भी क्या, ये भी एक पैरालेल फोर्सेस है। कोलिनियर मतलब कि एक ही लाइन में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, और पैरालेल मतलब कि सब एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे सबका लाइन ऑफ एक्शन सेम सेम रहेगा। नॉन पैरालेल मतलब कि कोई फिक्स नहीं, या कोई इन्हें भागेगा, या कोई इन्हें भागेगा, या कोई इधर भागेगा, लेकिन प्लेन सेम रहेगा। अब एक एक करके सबका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि कोलिनियर का क्या डिफिनेशन हो सकता है। कोप्लेनर का डिफिनेशन लिख लीजिएगा, नॉन कोप्लेनर का भी डिफिनेशन लिख लीजिएगा, बस यहाँ पे सेम प्लेन की जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लेन होगा। कोलिनियर, कनकरंट, नॉन कनकरंट, नॉन पैरालेल और फिर पैरालेल, ये सब का हम लोग अभी डिफिनेशन देखते हैं। देखिए अब यहां से हम लोग एक करके सबका डिफिनेशन देखते हैं, एक एक करके सबका डिफिनेशन समझते हैं, और आप लोग कॉपी में भी नोट डाउन कीजिएगा, ये एक तरह से आप लोगों का नोट्स तैयार हो जाएगा जो कभी भी काम देगा, ठीक ना, कभी भी पढ़ सकते हैं, एक बार नोट्स तैयार कर लीजिए, इसके बाद फिर कभी भी पढ़ सकते हैं, और नहीं समझ में आएगा तो फिर लेक्चर देखिएगा, लेक्चर से फिर अच्छा समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग कोप्लेनर, एक था कोप्लेनर, एक था नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब कि सेम प्लेन में लगना चाहिए, और नॉन कोप्लेनर मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में लगना चाहिए फोर्सेस। तो देखिए सबसे पहले कोप्लेनर फोर्स, कोप्लेनर, अब कोप्लेनर का चार पार्ट में बांटे थे, कोप्लेनर कोलिनियर, कोप्लेनर कनकरंट, बीच वाला में देखिएगा ये वाला कोलिनियर, कनकरंट, पैरालेल, वो क्या था, नॉन पैरालेल, नॉन कनकरंट फोर्सेस। तो देखते हैं एक करके, देखिए कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस बताया थे, कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस में जिसका लाइन ऑफ एक्शन मतलब डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस रहे, जिसका लाइन ऑफ एक्शन सबका एक ही डायरेक्शन में और सेम सेम प्लेन में रहे, और एक ही जगह पे सबको कोइंसाइड करते हुए रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर फोर्सेस। अभी इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि आप लोग रस्सा कसी खींचते होंगे, ऐसा इनका रसिया, तो देखिए रसिया तो एक ही रहता है, रस्सी एक ही रहता है, इन्हों जो फोर्स लगा रहा है, इन्हों जो फोर्स लगा रहा है, दोनों तरह से फोर्स खींच रहा है, तो देखिएगा कि सबका लाइन ऑफ एक्शन मतलब कि लाइन ऑफ एक्शन सबका जो है फोर्स का लाइन सब एक ही डायरेक्शन में, यानी सबका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सब सेम है, एक ही साइड में लाइन ऑफ एक्शन। बताए हैं कि अगर कोई भी फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स को मतलब इस ये फोर्स का इफेक्ट कहां तक पड़ेगा, जो भी बॉडी जहां तक रहेगा उस लाइन में हर एक जगह, जितना फोर्स यहां लगाएंगे उतना ही फोर्स यहां पर लगेगा, यहां पर भी ये था लाइन ऑफ एक्शन। तो देखते हैं क्या है इसका डिफिनेशन। फोर्सेस फोर्सेस F1, F2, F3 एंड F4, देखिए फोर्सेस F1, F2, F3 एंड F4 एक्टिंग इन ए प्लेन, और ध्यान रखिएगा अभी जितना हम लोग बात कर रहे हैं को प्लेनर मतलब कि केवल केवल एक ही प्लेन पे सब काम हो रहा है, यहाँ पे रस्सी भी था तो रस्सी भी क्या है, एक ही प्लेन है, एक ही प्लेन में सब फोर्स लगा के पूरा खींच रहे हैं इधर से उधर से इधर से उधर से। तो ये फोर्सेस F1, F2, F3 एंड F4 एक्टिंग इन ए प्लेन, एक ही प्लेन में काम कर रहा है, एक ही प्लेन में सब तीन चारों फोर्स लग रहा है, एंड दीज फोर फोर्सेस आर इन द सेम लाइन, ध्यान रखिएगा, एंड दीज फोर फोर्सेस यानी जो चारों फोर्सेस है वो चारों फोर्सेस कहां लग रहा है, सेम लाइन में लग रहा है। यहाँ पे देखिए ये एक बॉडी था, इस बॉडी में एक फोर्स यहां से लग रहा है, यहाँ दूसरे का फोर्स, तीसरे का फोर्स, चौथा फोर्स, सब एक ही लाइन में लग रहा है, और सबका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक ही है, यानी लाइन ऑफ एक्शन सबका कॉमन है, बस वही रस्सा कसी वाला जो खेल है, रस्सा कसी वाला खेल खेलिए, देखिए उसमें भी सेम होता है, नहीं तो ट्रेन का देखिए, ट्रेन का बोगी होता है ना, बोगी बहुत सारा लंबा ट्रेन रहता है, उसमें भी देखिए, उसमें भी सबका लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, और सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है तो सबका लाइन ऑफ एक्शन सब सेम रहता है, उससे भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। एंड दीज ट्रेन देखे होंगे आप लोग, ट्रेन पे चढ़े होंगे, दीज फोर्सेस हैव कॉमन, देखिए यहाँ पे क्या है, दीज फोर्सेस हैव कॉमन लाइन, देखिए दीज फोर्सेस हैव कॉमन लाइन, इसका एक कॉमन लाइन होता है, कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है, सब देखिए सबका लाइन सब एक ही है ना, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक।
दिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज नोन एज कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस। दीज फोर्सेस ऑफ सिस्टम, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रहा है, फोर्सेस ऑफ सिस्टम बनिया गया, तो दीज फोर्सेस ऑफ सिस्टम इज नोन एज कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस। कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस किसको बोलेंगे, प्लेन एक रहेगा उसी प्लेन में नंबर्स ऑफ फोर्सेस क्या है, सब लग रहा है, नंबर्स ऑफ फोर्सेस लग रहा है, और सबका जो लाइन ऑफ एक्शन रहेगा वो सबका कॉमन रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस। जैसे देखिए इसको थोड़ा सा दिक्कत यहाँ फिर क्या बोलता है कि ऑल द फोर्सेस एक्ट इन द सेम प्लेन, ये मतलब इसी का छोटा फॉर्म था कि ऑल द फोर्सेस एक्ट इन द सेम प्लेन, सब जितना भी फोर्सेस है वो एक ही प्लेन में काम कर रहा है एंड हैव ए कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, और उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, कॉमन हो, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस। आई होप समझ में आ गया होगा, कोप्लेनर कोप्लेन मतलब कि एक ही प्लेन में लग रहा है, कोलिनियर मतलब कि जितना भी फोर्सेस लग रहा है सबका लाइन ऑफ एक्शन कॉमन हो, तो कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस। दूसरा क्या, कोप्लेनर कनकरंट फोर्सेस। कोप्लेनर मतलब कि एक ही प्लेन में होना चाहिए, और कनकरंट मतलब कि जितना भी सब नंबर्स ऑफ फोर्सेस है सब फोर्सेस कहीं ना कहीं एक जगह पे आके एक्ट कर रहा है, यानी कोई एक पॉइंट पे आके एक्ट कर रहा हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर कनकरंट फोर्सेस। एग्जाम्पल में यहां देखिए, कोई एक प्लेन है, एक इधर से फोर्स लगा रहा है, एक इधर से, इधर से सबका जो सबका फोर्सेस अब कहां पे आके मिल रहा है, इस पॉइंट पे, ओ पे आके मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लेनर कनकरंट फोर्सेस। जैसे इसका एग्जांपल क्या देख सकते हैं आप लोग, एक एने से धक्का दे रहा है, एक उधर से धक्का दे रहा है, एक ओने से धक्का दे रहा है, सब तरफ से धक्का देके कहीं ना कहीं एक पॉइंट, जैसे ना क्या कोई कहीं भीड़ भड़ाका में नहीं देखते हैं, भीड़ भड़ाका में भीड़ में क्या होता है, वो एने से धक्का दे रहा है तो ओने से धक्का देगा, मतलब जो बीच वाला आदमी रहता है उसको उभे जगह न चले रहता है, आगे जाने नहीं देता, तो वहां पे उसको हम बोल सकते हैं कि कोप्लेनर कनकरंट फोर्सेस। नहीं तो घर में आप लोग देखते होंगे ऐसे एक खुट्टा गाड़ दीजिए, वो होता है गाय बैल बांधने के लिए, ये वाला बांध दीजिए, अब यहाँ पे क्या कीजिए ना कि दो तीन गाय को एक ही जगह बांध दीजिए, यानी एक ही पेड़ में या एक ही खुट्टा में बांध दीजिए, तो देखिएगा ना कि एगो एने खींचेगा गया तो एगो एने खींचेगा, तो एगो एने खींचेगा नहीं खींचेगी, एगो इधर खींचेगी, इधर खींचेगी, मतलब सब ये गोले गोले है, मतलब गोले गोले सब घूम के खींचेगी, तो फोर्स कहाँ लगा रही है, सब एक ही जगह ना फोर्स लगा रही है, तो वो भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, और सेम प्लेन में फोर्स लगा रही है तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि कोप्लेनर कनकरंट फोर्सेस है वो भी। और फिर इसका एग्जांपल आप लोग कहाँ देख सकते हैं, और इसका एग्जांपल कोप्लेनर कनकरंट फोर्सेस, और देखते हैं दिमाग में आएगा तो बताते हैं। देखिए कोप्लेनर कनकरंट फोर्सेस क्या है, थ्री फोर्सेस, यानी जो तीनों फोर्सेस है, डिफिनेशन देख लेते हैं, थ्री फोर्सेस एक्ट इन ए प्लेन, एक ही प्लेन में एक्ट करेगा, थ्री फोर्सेस एक्ट इन ए प्लेन एंड दीज फोर्सेस मीट एट ए कॉमन पॉइंट, और ये जो जितना सारा फोर्सेस है, सारा फोर्सेस क्या है, सारा फोर्सेस एक जगह आपके मीट कर रहा है, यानी इधर से भी आएगा तो सब एक जगह आके मीट करेगा, तो जो एक पॉइंट पे आके मीट करता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कनकरंट बोलते हैं, कनकरंट मतलब कि एक जगह पे आके मिलना सब फोर्सेस, एंड दिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज नोन एज सीसीएफ, मतलब कि कोप्लेनर कनकरंट फोर्सेस। कोप्लेनर मतलब कि एक प्लेन पे एक्ट कर रहा है, कनकरंट मतलब कि जितना भी नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहा है वो सब एक पॉइंट पे आकर लग रहा है, तो एक पॉइंट पे आकर लग रहा है एंड फोर्सेस, वही हो गया कोप्लेनर कनकरंट फोर्सेस। इसका देखिए अगर वन वर्ड में बोला जाए तो वन वर्ड में क्या लिख सकते हैं, ऑल द फोर्सेस एक्ट इन ए सेम प्लेन, ऑल द फोर्सेस एक्ट इन, देखिए सेम प्लेन है, एक ही प्लेन है, एंड दे इंटरसेक्ट या मीट एट ए कॉमन पॉइंट, और जितना भी फोर्सेस है सब फोर्सेस एक पॉइंट पे आके या तो इंटरसेप्ट करेगा या क्या करेगा, मीट करेगा, मिलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस। अगला क्या, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। अब देखिए कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस क्या होता है, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस मतलब कि एक ही प्लेन में डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रहा है, जैसे एक क्या कर लीजिए ना, डेस्क ले लीजिए, डेस्क को दो ले लीजिए, एगो इधर से धक्का देगा, एगो एने से धक्का देगा, और एगो मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन से धक्का दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ सेम ही डायरेक्शन से होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन से भी हो सकता है, तो मतलब लेकिन ध्यान रखना कि फोर्स एक ही प्लेन पे लगना चाहिए, फोर्स एक ही प्लेन पे लगना चाहिए, तो वही है कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। क्या कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, इन क्या बोलता है, इन कोप्लेनर पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस
ऑल द फोर्सेस एक्ट इन सेम प्लेन, सब में तो सेम ही है क्योंकि को प्लेनर लगा हुआ, को प्लेनर मतलब कि सब एक ही प्लेन पे काम कर रहा है, बस कहीं कहीं क्या हो रहा है कि सब एक का लाइन ऑफ एक्शन सबका कॉमन हो रहा है, कहीं कहीं क्या बोल रहा है कि सब जितना फोर्सेस सब फोर्सेस एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, फिर क्या बोलता है कि फोर्सेस सब एक दूसरे का क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, लेकिन प्लेन सेम होना चाहिए, वही है कि ऑल द फोर्सेस एक्ट इन सेम प्लेन एंड ऑल आर पैरेलल। जैसे देखिए ये सेम प्लेन है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना सब एक दूसरे के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो आई होप कोप्लेनर के बारे में समझ में आ गया होगा। देखिए कोप्लेनर कोलिनियर हो गया, कंकरेंट हो गया, पैरेलल हो गया। एक और क्या था, कोप्लेनर नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट फोर्सेस, यानी न तो पैरेलल होगा और न ही नॉन कंकरेंट होगा। उसका एग्जांपल खाली हम बता देते हैं, डेफिनेशन आप लोग लिख भी लीजिएगा खुद से ही। क्या है कि ऑल द फोर्सेस आर, मतलब ऑल द फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए बॉडी, यानी जितना भी फोर्सेस है सब एक बॉडी पे अप्लाई करना, बट ऑल फोर्सेस आर नॉट मीट ए पॉइंट एंड दीज फोर्सेस आर नॉट ए पैरेलल इज नोन एज कोप्लेनर नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट फोर्सेस हो जाएगा। आई होप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, बोल दिया डेफिनेशन। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से बनेगा एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए पॉइंट क्या था हम लोग का, नॉन सॉरी कोप्लेनर नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट फोर्सेस। पहले कोप्लेनर लगा हुआ है यानी एक ही प्लेन होगा, अब इसमें क्या बोल रहा है कि पैरेलल नहीं होना चाहिए, ठीक है पैरेलल नहीं करते, एक फोर्स इधर लग रहा है, और क्या होना चाहिए नॉन पैरेलल और नॉन कंकरेंट, यानी एक पॉइंट पे आके मिलना भी नहीं चाहिए। तो एक पॉइंट इधर ऐसे कट रहा है, दूसरा का पॉइंट एन ऐसे जा रहा है, तो देखिए कोई भी फोर्सेस एक पॉइंट पे आके मीट नहीं कर रहा है, यानी जितना भी फोर्सेस है सब फोर्सेस को एक पॉइंट पे आके मीट करना चाहिए, लेकिन कहा एगो यहाँ मीट कर रहा है, एगो इधर कट कर रहा है, एगो इधर कट कर रहा है, सब जैसे तैसे कट कर रहा है, तो इस तरह का जो है भी फोर्सेस मिलेगा F1, F2, F3, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट फोर्सेस। अब आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा सारा चीज की फोर्सेस ऑफ सिस्टम किस तरह से होता है, किस तरह से उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद एक हम लोग का क्या था, यहाँ पे को प्लेनर था, एक इसके बाद क्या था, नॉन को प्लेनर था फोर्स ऑफ सिस्टम का। देखिए नॉन को प्लेनर किसको बोलेंगे, नॉन को प्लेनर उसी को कि मतलब कि फोर्सेस डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे लगे, एक प्लेन पे फोर्सेस नहीं लगे, और फिर उसके अलावा ये सब बताया दिया, मतलब नॉन को प्लेनर को लिनियर फोर्सेस, यानी प्लेन अलग 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 रहेगा लेकिन सबका लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन को प्लेनर को लिनियर फोर्सेस उसको बोलेंगे, क्योंकि प्लेन अलग अलग। जैसे भी नॉन को प्लेनर के बारे में भी कुछ कुछ डिस्कस करते हैं, तो वैसे वो आप लोग पढ़ना था लेकिन कर देते हैं, मान लेते जैसे कि उस फोर्सेस ऑफ सिस्टम का दो पार्ट था, को प्लेनर और नॉन को प्लेनर, तो एक पॉइंट इधर लिख देते हैं नॉन को प्लेनर, बता ही देते हैं नॉन को प्लेनर, नॉन को प्लेनर मतलब कि सेम प्लेन पे फोर्स नहीं लगना चाहिए पहला बार, नॉन को प्लेनर मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेन होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन, ठीक। अब इसको हम लोग कैटेगराइज किए थे, तो नॉन को प्लेनर को लिनियर फोर्सेस किस तरह से हो जाएगा, तो देखिए प्लेन तो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, प्लेन बहुत सारा रहेगा, ऐसे प्लेन रहेगा एक तरह का नहीं है, लेकिन जो भी इसका फोर्स लगेगा ना, इधर से जो फोर्स लगेगा सब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन सबका कॉमन होना चाहिए, तभी तो को लिनियर बनेगा, तभी तो को लिनियर बनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन को प्लेनर नॉन को प्लेनर नॉन को प्लेनर को लिनियर फोर्सेस, नॉन को प्लेनर को लिनियर फोर्सेस। अब इसी तरह से बना सकते हैं नॉन को प्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, यानी क्या होना चाहिए, प्लेन डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन जितना भी फोर्स लगेगा सब फोर्स एक जगह आके मीट करता हो,
जैसे ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस फोर्स लगा रहे हैं, एगो इधर से फोर्स ऐसे लगा दिए, एगो इधर से ऐसे फोर्स लगा दिए, एगो इधर से ऐसे जो फोर्स लग रहा है वही आके करें, यानी जितना भी तीनों फोर्सेस आए F1, F2, F3 सब एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा है। तो ये क्या है, प्लेन तो डिफरेंट डिफरेंट है, एक प्लेन नहीं है लेकिन सब एक जगह पे आके मीट कर रहा है। अब देखिए ये जो नॉन कोप्लेनर फोर्सेस कहाँ लगेगा, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस मतलब कि प्लेन अलग अलग होना चाहिए। तो जैसे देखते होंगे ना आप लोग कि छत होता है ना, छत जो छत ढलाता है, जो ऊपर वाला छत ढलाता है, वो सब देखिएगा वो सब ना सेम प्लेन के अंतर्गत उसको रखा नहीं जाता है। तो उस जगह पे देखिएगा ना तो सबका पिलर रहता है, इधर एक मतलब छत रहेगा ऊपर में और सबका पिलर ऐसे गाढ़ा हुआ रहता है पिलर। तो जिधर लोड आता है ना सबका लोड अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग प्लेन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके चलते वो नॉन कोप्लेनर के अंतर्गत आता है, नॉन कोप्लेनर के अंतर्गत आता है ये वाला छत वाला। ठीक है, तो आई होप फोर्सेस ऑफ सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोगों का टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम लोगों को बेसिकली करना क्या है ना कि जितना भी नंबर ऑफ फोर्सेस है सबको अब हमको फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा। ठीक, अभी तक तो सारा चीज हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़े, थ्योरी के बारे में पढ़े, लेकिन सबका तो एक कोई ना कोई तो रिजल्ट निकलता होगा, फाइनल रिजल्ट। कि फाइनल रिजल्ट आके कितना, मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स लगाए, 20 न्यूटन फोर्स लगाए, कुछ कुछ एंगल बनते रहता है, कितना डिग्री पर फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, तो इसका तो कुछ ना कुछ फाइनल रिजल्ट निकलता होगा। तो अब हम लोग फाइनल रिजल्ट की ओर कैलकुलेशन करेंगे। तो फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए दो तीन प्रिंसिपल है, तो उस प्रिंसिपल को पहले हम लोग देखेंगे। सबसे पहला मोमेंट और दूसरा वैरिएगुनन प्रिंसिपल। तो ये मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल क्या आता है और वैरिएगुनन प्रिंसिपल क्या आता है, इसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे अच्छा से। इसके बाद फिर हम लोगों को आएगा कि फोर्सेस को और हम लोग किस तरह से क्लासिफाई, मतलब फोर्सेस का रिजल्टेंट किस तरह से निकाल सकते हैं, जिसमें हम लोग आएगा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस आएगा, फोर्स को कैसे कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, प्लस में पैरालेल थ्योरम आएगा कि पैरालेल थ्योरम के अनुसार कैसे कैसे फोर्स का हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, फोर्स का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं किधर डायरेक्शन रहेगा फोर्स का। तो फिर हम लोग वो सब बातें देखिए हम लोग का नेक्स्ट पार्ट था रिजल्टेंट फोर्सेस। तो रिजल्टेंट फोर्सेस हम लोग देखते हैं कि रिजल्टेंट फोर्सेस क्या होता है। देखिए इसके पहले हम लोग बहुत ही सारी चीज देखें और फोर्स के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि फोर्स क्या है, फोर्स कैसे कैसे लगता है कोई बॉडी पे। अब हम लोग देखते हैं कि जितना भी बॉडी पे फोर्स लग रहा है उस सबका तो कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट निकलता होगा। यानी कोई भी इंसान को बहुत सारा सब लोग पीट रहा है तो यानी उसका कुछ तो सब लोग जो फोर्स लगाया उसका कुछ तो रिजल्टेंट दिखेगा। और वो रिजल्टेंट कहाँ दिखेगा, पूरा उसका शरीर ये सब दर्द देने लगेगा, पूरा मतलब उसका बॉडी दर्द देने लगेगा। यानी ऐसे कैसे जो भी थोड़ा थोड़ा सा फोर्स लगाया वो फोर्स का इफेक्ट कहाँ पड़ रहा, बॉडी पे पड़ रहा। वही अब हम लोग चेक करेंगे ना कि जितना भी फोर्स लगता है सबका रिजल्टेंट जो लगता है वो रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक ना, कौन कौन सा मेथड के थ्रू रिजल्टेंट निकालते हैं। कभी देखिएगा कि कुछ एंगल बना के कोई पीट रहा है या कहीं एंगल बना के लोड पड़ रहा है या कहीं डायरेक्ट लोड ऐसे पड़ रहा है, कहीं कुछ एंगल बन के लोड पड़ता है, तो कैसे कैसे ये सबको डिस्ट्रीब्यूट करके कैसे रिजल्टेंट निकलेगा उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स किसको बोलते हैं। रिजल्टेंट फोर्स का अगर डिफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं हम लोग, इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, यानी कोई भी एक पार्टिकल पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहा है, यानी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करने का मतलब कि लग रहा है उस पर, तो देन इट पॉसिबल टू फाइंड आउट ए सिंगल फोर्स। तो देखिए अगर कोई भी बॉडी पर डिफरेंट डिफरेंट और अलग अलग फोर्सेस लग रही है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग, कोई फोर्स कम हो कोई फोर्स ज्यादा हो, अगर वो फोर्स लग रहा है कोई भी एक बॉडी पे, तो हम लोग कोशिश करेंगे ना कि जितना भी नंबर्स ऑफ फोर्सेस लग रहा है उसको एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर दें, और वही जो सिंगल फोर्स होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्सेस। यानी छोटा छोटा फोर्सेस, मान लीजिए 5 न्यूटन एनएस लगा 5 न्यूटन एनएस लगा 2 न्यूटन एनएस लगा 2 न्यूटन एनएस, तो सब कहां लगा, मेरे बॉडी में ही नहीं लगा। तो ये सब देखते हैं मतलब कि कैसे आखिर हम लोग इसको कैसे रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो आयो रिजल्टेंट फोर्सेस किसको बोलते हैं कि नंबर्स ऑफ फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड दिस नंबर्स ऑफ फोर्सेस आर कन्वर्टेड इन ए सिंगल फोर्स एंड दिस सिंगल फोर्स इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। देखिए कोशिश कीजिएगा ना कि मैक्सिमम डिफिनेशन खुद का ही लैंग्वेज में लिखे, खुद का लैंग्वेज में लिखिएगा ना तो वो बेटर रहेगा,
खुद का लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और बना दीजिए, हो जाएगा। यही है कि इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट ए सिंगल फोर्सेज, यानी जो नंबर ऑफ फोर्सेज लग रहा है, जैसे यहाँ पे ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, सब कुछ ना कुछ इस पे लगा रहा है, तो टोटल फोर्स का इफेक्ट तो इसी बॉडी पे ना पड़ेगा। मान लीजिए पांच 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 सब लगा रहा है, तो कितना इस बॉडी में रिजल्टेंट लगेगा, तो जितना फोर्सेज है सब हम लोग एक सिंगल फोर्सेज में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और यही जो सिंगल फोर्सेज होगा दिस इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्सेज। वही है कि दिस सिंगल फोर्सेज इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्सेज, जो सिंगल फोर्सेज निकलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्सेज। अब देखिए इसी के बाद हम लोग कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज, देखिए कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्सेज ऑफ ए नंबर ऑफ गिवन फोर्सेज नोन एज कंपोजिशन फोर्सेज, दोनों सेम है, रिजल्टेंट फोर्सेज या कंपोजिशन फोर्सेज। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज एक हम लोग को प्रोसेस बता रहा है, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज मतलब क्या होता है ना, ये भी सेम चीज है कि जो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस कहीं एक बॉडी पे लग रहा है, तो उस बॉडी पे जितना भी डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रहा है उस फोर्सेस को एक फोर्स में कन्वर्ट करके जो हम लोग को रिजल्ट निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको तो हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्सेस, लेकिन वो जो निकालने का जो मेथड होगा ना, यानी जो प्रोसेस होगा उसी को बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। क्या है, इट इज ए प्रोसेस। देखिए लिखा हुआ कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्सेस, ये क्या है, ये प्रोसेस है जिसके चलते हम लोग रिजल्टेंट फोर्सेस को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ऑफ ए नंबर ऑफ गिवन फोर्सेस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस तो एक प्रोसेस है, ठीक है, अब ये जो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस है ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम लोग रिजल्टेंट फोर्सेस निकाल सकते हैं। अब इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए हम लोगों के पास दो मेथड है, पहला एनालिटिकल मेथड और दूसरा मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। अब देखिए एनालिटिकल मेथड मतलब कि ये एक तरह का ग्राफिकल मेथड होता है, तो एनालिटिकल मेथड हम लोग देखेंगे, और फिर एक होता है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। अब एनालिटिकल मेथड के थ्रू हम लोग कैसे रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं, इसको भी दो पार्ट में बांटा गया, एक ट्रायंगल लॉ के अनुसार निकाल सकते हैं, एक लॉ पैरेललोग्राम के अनुसार रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल्स लॉ और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम दोनों हम लोगों को पढ़ना है, यानी एनालिटिकल मेथड भी पढ़ना और मेथड ऑफ रिजोल्यूशन भी पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा मेथड ऑफ रिजोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद एनालिटिकल मेथड में आएंगे। एनालिटिकल मेथड में पहला ट्रायंगल्स लॉ, की ट्रायंगल्स लॉ के अनुसार फोर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यानी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के ब्लॉक पैरेललोग्राम का प्रोसेस को यूज करके हम लोग किस तरह से रिजल्टेंट फोर्सेस निकाल सकते हैं। तो पहला दोनों को हम लोग प्रूफ करेंगे कि इसका क्या होता है, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में क्या आता है ना, हाँ अच्छा ठीक है, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में यही है ना कि मतलब जो भी फोर्स दिया हुआ रहेगा ना, जितना भी डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस दिया हुआ रहेगा ना, उस फोर्स को हम लोग को क्या करना, रिजोल्व कर देना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, बस यही है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का थोड़ा सा इसमें यूज होता है, तो थोड़ा सा बताएंगे कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का होता है, इसके बाद फिर इसको हम लोग देखते हैं कि फोर्स कैसे कैसे अप्लाई होगा और कैसे कैसे हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। कि यहां से समझते हैं हम ना कि ये जो ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ को कैसे तोड़ते, कैसे ब्रेक कैसे करते हैं, मतलब ट्रायंगल लॉ अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे ना कि एक लॉ ऑफ वेक्टर होता है, वेक्टर और स्केलर हम बताए थे उस समय ना हम आप लोगों को ये नहीं बता देंगे कि वेक्टर का लॉ क्या होता है, वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, एडिशन ऑफ वेक्टर, वही है, यानी ये एक तरह का हम लोग ट्रायंगल्स लॉ पढ़ रहे हैं, यानी फोर्स को रिजल्टेंट निकालने के लिए ट्रायंगल्स लॉ का यूज कर रहे हैं। और फोर्स क्या है, फोर्स एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वेक्टर को हम लोग जोड़ने के लिए सीख जाए ना, यानी ऐड करने के लिए सीख जाए, तो हम लोग को ये ना आसानी से निकल जाएगा ट्रायंगल लॉ। तो देखिए तो यहाँ पे अगर ये जो ट्रायंगल लॉ, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा समझिएगा, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए एक फोर्स है, यानी यही ट्रायंगल्स लॉ को ही हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर ऑफ एडिशन, ठीक है, AdditionA वेक्टर ऑफ एडिशन, तो वेक्टर ऑफ एडिशन इसी को बोलेंगे। तो सबसे पहले देखिए तो ट्रायंगल्स लॉ को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं कोई भी रिजल्टेंट निकालने के लिए, ट्रायंगल, और इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ बताएंगे,
लॉ पैरामीटर आप कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए ट्रायंगल लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, दो फोर्स है, एक फोर्स को हम लोग इस तरह से मान लेते हैं, एक फोर्स ये है एफ वन फोर्स है, एफ वन के ऊपर ये वेक्टर लगा दिए यानी ये वेक्टर है, और एक दूसरा फोर्स है एफ टू है, एफ टू एफ टू के ऊपर। अब देखिए मान लीजिए एफ वन और एफ टू दो फोर्सेस, और एफ वन और एफ टू दोनों फोर्सेस का हमको निकालना है रिजल्टेंट। देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं, ऐड कैसे करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ये बताते हैं। देखिए दो फोर्सेस है एफ वन एफ टू, यहाँ पे देखिए ना ये वेक्टर है, वेक्टर का दो दो को छोर है, एगो इन छोर है एगो पीछे हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हेड, ठीक, और इधर वाला का हम लोग बोलते हैं टेल, ठीक। अब इस दोनों फोर्स को हमको क्या करना है, जोड़ के और हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर यही बोलता है, समझ लीजिएगा एडिशन ऑफ वेक्टर क्या बोलता है। एडिशन ऑफ वेक्टर बोलता है कि ये जो एक वेक्टर का टेल और हेड है, और दूसरा वेक्टर का भी इधर वाला को हेड बोलेंगे और पीछे वाला को टेल बोलेंगे, ठीक। ध्यान रखिएगा जिधर ये वाला रहेगा उसको हेड और जिधर ये वाला रहेगा उसको टेल। तो एडिशन ऑफ वेक्टर यही बोलता है कि एक वेक्टर जहां पे खत्म हो रहा, यानी एक वेक्टर का हेड और दूसरा वेक्टर का टेल अगर हम लोग ऐड करेंगे, मान लेते हैं ये वेक्टर F1 है ये वेक्टर F2, तो इस दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इस वेक्टर यानी देखिए एक वेक्टर का यहाँ पे टेल है, एक वेक्टर का यहाँ पे हेड है, और इस दूसरा का वेक्टर उस दूसरा का वेक्टर का टेल कहाँ आएगा, टेल यहाँ पे आएगा, और ये कुछ इस तरह से इधर से आएगा, ठीक। यानी ये हम लोग का कौन सा F1 फोर्स है, और ये हम लोग का क्या है F2 फोर्स है, और ये दोनों फोर्स का जो फाइनल रिजल्टेंट है उसका किधर से डायरेक्शन है, उसका ये वाला, यानी ये जो वेक्टर यहाँ जाके मिलाएगा यही क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एफ वन एंड एफ टू। आई होप समझ में आ रहा होगा, ट्रायंगल यही है हम लोगों का ट्रायंगल्स लॉ। कुछ भी अगर एफ वन फोर्स दिया हुआ रहेगा और एफ टू फोर्स दिया हुआ रहेगा, बोलेगा ना कि उसको ट्रायंगल्स लॉ के अकॉर्डिंग उसको निकाल के बताएगी कितना फाइनल रिजल्ट होगा। तो यही अकॉर्डिंग टू वेक्टर ऑफ एडिशन के, मतलब वेक्टर ऑफ एडिशन का यूज करते हुए हम लोग दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ट्रायंगल्स लॉ बस यही है, इसके अलावा ट्रायंगल्स लॉ में और कुछ नहीं मिलेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए यही हम लोग का सेम है, ट्रायंगल्स लॉ है, और फिर सेम इसी को वेक्टर एडिशन लॉ बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग आता है लॉ पैरेललोग्राम। लॉ पैरेललोग्राम जस्ट इसी का आगे है। जैसे कि लॉ पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि दो, जैसे कि एक कोई यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट पे दो फोर्सेस, एक इधर लग रहा है और एक मान लेते इधर ऐसे फोर्स लग रहा है, दो फोर्सेस है, देखो यहाँ पे F1 फोर्सेस है, ये F2 फोर्सेस है। देखिए इससे ना इससे उतना कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा ट्रायंगल्स लॉ, लेकिन लॉ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम के लॉ से बहुत पूरा कंक्लूजन निकलेगा फाइनल, क्या क्या निकलेगा। तो देखिए एक फोर्स यहाँ है, एक फोर्स यहाँ पे, अगर दो फोर्सेस एक पॉइंट पे आ गए तो ये कौन सा फोर्सेस है, ध्यान रखिए दोनों पॉइंट का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, जिसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, कंकरंट फोर्सेस। कंकरंट फोर्सेस बोलते थे ना कि जिसका एक पॉइंट पे आगे फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कंकरंट फोर्सेस। तो ये F1 F2 का रिजल्टेंट कहां भागेगा, F1 F2 का रिजल्टेंट ये वाला रहता है इधर। तो यहां से हम लोगों को अभी इस रिजल्टेंट, इसका ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, इस रिजल्टेंट फोर्स को निकालना, कैसे निकलेगा, तो ये सब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा ये इस तरह इसका रिजल्टेंट इधर कैसे भागता है, ये कुछ आप लोगों को दिमाग में लग रहा है, जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसे करके रख दे एक फोर्स हम लोग इधर, ध्यान से देखिएगा एगो यहां से एगो रस, इसको एगो रस्सी एने खींच रहे हैं, एगो रस्सी एने खींच रहे हैं, और दोनों करे से इस लकड़ी को यहां से बांध के इसको हम लोग खींच रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट अब जाएगा कहां से, वो एनएस खींच रहे एनएस खींच रहे, तो ये वाला रिजल्टेंट बीच में नहीं से भागेगा। जैसे देखिए आप लोग अगर कहीं पेड़ ऐसे लगाया हुआ है, पेड़ अगर देखिए कैप बोला गया, अगर ये इस तरह का कहीं पे भी इस तरह का ऐसे खुट्टा या डंडा कुछ भी गाड़ा हुआ है, तो इसका देखिए यहाँ पे क्या होता है, सो
इसका भी समझिएगा, अगर एक फोर्स इन्हें भाग रहा है एक फोर्स इन्हें भाग रहा है, जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग है ना तो बिल्डिंग में देखिएगा कि एक फोर्स ऐसे नीचे आ रहा है, एक फोर्स ऐसे, और एक फोर्स अगर मान लेते तिरछा आके दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहा है तो दोनों का रिजल्टेंट ये जो बीचे वाला होगा ना, बीचे वाला, वो जाके रिजल्टेंट फोर्स हम लोगों को देगा। जैसे वो ऐसे गड़ा हुआ है, वो इधर से खींच रहा है, वो इधर से खींचा, तो ये खींचा के कहीं जाएगा, इसे खींचा के आगे जाएगा, यही ना। तो रिजल्टेंट कहाँ भागता है, बीच ही भागता है रिजल्टेंट। तो इस दोनों फोर्स का जो फाइनल रिजल्टेंट निकलेगा, एफ वन और एफ टू का फाइनल रिजल्ट निकलेगा, वो कैसे निकलेगा वो भी हम लोग देखते हैं, ट्रायंगल्स लॉ और फिर लॉ पैरेललोग्राम। देखिए लॉ पैरेललोग्राम को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका, हम लोग पूरा मैकेनिज्म को समझेंगे और इसके बाद फिर इसको हम लोग फाइनल रिजल्ट की ओर कंक्लूजन निकालेंगे, क्योंकि ये लॉ पैरेललोग्राम बहुत है। देखिए लॉ पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, फाइनल रिजल्ट हम लोग को निकलेगा आर बराबर एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, ये हम लोग को फाइनल रिजल्ट निकलेगा, फाइनल रिजल्ट ये निकलेगा, ठीक ना। लेकिन इसको निकलेगा कैसे, इसको लिख देने से तो नहीं होगा, थोड़ा सा इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे ना थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, देखिए रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में हम जिक्र करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है, अगर दो फोर्स है, ध्यान रखिएगा एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, इस तरह से फोर्स है, यानी ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है, और ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट अगर यहां पे ऐसे लग रहा है, इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट ऐसे लग रहा है, ठीक ना, ये R फोर्सेस है और इस रिजल्टेंट इस फोर्स के साथ कुछ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के अनुसार हम लोग ने इस ये रिजल्टेंट फोर्सेस है, इस रिजल्टेंट फोर्सेस को हम लोग इस दोनों फोर्सेस में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। कैसे बांटते हैं वो देखिए, ये वाला हम लोग को ना, क्योंकि इसमें काम देगा, इसको ध्यान रखिएगा कि दो फोर्सेस है, यहाँ पे ओरिजिन है, यहां से एक इधर F1 फोर्सेस है, यहां से इधर F2 फोर्सेस है, बीच में रिजल्टेंट फोर्सेस, इस रिजल्टेंट फोर्सेस को F1 और F2 दोनों के पास बांटना। तो किस तरह से बांटता है, देखिए जिसके साथ थीटा लगल रहता है, यानी ये जो रिजल्टेंट है किसके साथ थीटा लगल है, F1 के साथ थीटा लगल है, F2 के साथ थीटा नहीं लगा हुआ, तो ये जो जिसके साथ थीटा लगा हुआ रहता है उसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं, यानी उसके साथ हम लोग तोड़ते हैं आर कॉस थीटा के साथ, यानी ये जो रिजल्टेंट फोर्स है उस रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग किसके बराबर तोड़े, आर कॉस थीटा, यानी ये जो एफ वन फोर्स है वो एफ वन फोर्स किसके बराबर हो गया, आर कॉस थीटा के बराबर। और क्योंकि ये रिजल्टेंट फोर्स आया कैसे था, यही दोनों ने एफ वन एफ टू के रिस्पेक्ट में आया था, यानी एफ वन एफ टू दोनों फोर्स लगा रहा था ना, रिजल्टेंट फोर्स पीछे भाग रहा है, ध्यान रखिएगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे ना, मतलब दोनों फोर्स को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर लगाएंगे। अच्छा, जिसके साथ एंगल लगता है उसके साथ आर कॉस थीटा, यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर वाला आर कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं लगता है उसको हम लोग ब्रेक करते हैं आर साइन थीटा, यानी यहां से एफ टू बराबर क्या हम लोग को निकलेगा, आर साइन थीटा, इसको याद रखिएगा। और ये क्या है, F1 मतलब कि मैग्नीट्यूड, यहां से यहां तक कितना फोर्स लगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड है, उसी तरह से यहां पे हम लोग फोर्स का ये मैग्नीट्यूड है, उसी तरह यहां से ये जो R cos थीटा क्या है, यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड है R cos थीटा, इसी तरह का यहां से यहां तक क्या है, R sin थीटा F2 बराबर। तो ये फोर्स का रिजोल्व करने का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं पे भी इस तरह का मिले तो जिसके साथ एंगल लग रहा है उसके साथ आर कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं लग रहा है, इधर वाला के साथ एंगल नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। अच्छा, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से रहेगा रिजल्टेंट अगर इधर कहीं भाग रहा है, मान लेते अभी इसके साथ हम लोग थीटा लगा दें और इधर एफ वन डाल दे और इधर एफ टू डाल दे, तब यहां पे ध्यान दीजिएगा ये जो अभी रिजल्टेंट किसके साथ है, एफ टू के साथ है, तो एफ टू किसके बराबर टूटेगा, एफ टू टूटेगा आर कॉस थीटा के बराबर, F1 किसके बराबर टूटेगा, R साइन थीटा के बराबर, R साइन थीटा के बराबर, ठीक, यही है हम लोगों का ये रिजल्टेंट है, यही टूटता है, जिसके साथ थीटा लग रहा है उसके साथ कॉस, और जिसके साथ थीटा नहीं लग रहा है उसके साथ साइन लगा के आराम से रिजोल्व कर दे, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, जो मतलब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करने का मतलब कि जो हम लोगों को रिजल्टेंट फोर्स दिया हुआ है उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के फॉर्मेट में
चेंज कर देना। ये जो आर को आर साइन थीटा ये निकला है, ये वाला एक्सिस, ये हम लोग का क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब की क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल, इसको हम लोग आगे और अच्छे से समझेंगे। और ये वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल, क्योंकि अभी हम लोग को यहाँ यूज पड़ गया, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे अभी यूज कर दिए। ये जो खड़े लाइन, जो पड़ा हुआ लाइन है उसको हॉरिजॉन्टल, और जो खड़ा वाला लाइन है उसको वर्टिकल, पड़ा और खड़ा यहाँ हो गया। चलिए ये वाला हम लोग यूज करेंगे। अच्छा अब देखते हैं कि लॉ पैरालेलोग्राम क्या होता है। लॉ पैरालेलोग्राम से हम लोग कैसे कोई भी फोर्स है, दो फोर्सेस है और दोनों फोर्सेस कुछ एक दूसरे के साथ कुछ एंगल के साथ काम करना, एंगल लग रहा है उस दोनों फोर्सेस के बीच में, तो उसको उसका रिजल्टेंट कैसे हम लोग निकालते हैं, यानी लॉ ऑफ पी ए आर ए डबल ए ली एल ओ, लॉ पैरालेलोग्राम। ये क्या होता है, लॉ पैरालेलोग्राम। तो देखिए मान लेते एक फोर्स ये है और दूसर का फोर्स क्या है, ये है, और इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कहां, अच्छा ये दोनों फोर्सेस, इस दोनों फोर्सेस अल्फा एंगल के साथ क्या है, एक दूसरे के साथ झुका हुआ है। यहाँ पे ओरिजिन जीरो है, यहां से कुछ एक जो रिजल्टेंट फोर्स निकल रहा है वो क्या है, वो है रिजल्टेंट फोर्सेस है, ये है आर रिजल्टेंट फोर्सेस, जो इस एफ वन, इसको मान लेते एफ वन, इसको मान लेते हैं एफ टू, जो ये एफ वन फोर्स के साथ थीटा एंगल से, थीटा के साथ झुका हुआ है। देखिए बात को समझिएगा, दो फोर्सेस है, एक एफ वन फोर्सेस है, एफ टू फोर्सेस है, दोनों कुछ एंगल के साथ एक दूसरे के साथ झुका हुआ है, दोनों एंगल एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना के झुका हुआ है, बीच में एक हम लोग रिजल्टेंट फोर्सेस मान लिए, रिजल्टेंट फोर्सेस क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट फोर्सेस बीच में ही लागेगा, जो क्या है, जो एफ वन फोर्स से थीटा एंगल बना रहा है। अब हम लोगों को यहाँ पे निकालना है कि ये जो एफ वन एफ टू दोनों फोर्स है, उस फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जनरल फॉर्मूला निकालेंगे, यानी इसको पहले प्रूफ करते हैं, रिजल्टेंट यही निकलेगा, इसको पहले प्रूफ करते हैं, इसके बाद देखते हैं। देखिए यहां पे ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्या कंस्ट्रक्शन करना है, कि ई नाम दे देते हैं यहाँ पे ना, ओ ए नाम दे देते हैं, ओ बी नाम दे देते हैं इसको, ओ बी। देखिए एक हम लोग लाइन पाते हैं, ये जो ओ बी है ना, ओ बी के पैरालेल यहां से एक लाइन है, ऐसे हम लोग खींचते हैं, ठीक, इस तरह से ओ बी के पैरालेल, यानी ओ बी के पैरालेल एक लाइन यहां खींचे, मान लेते हैं इसको डी मान लेते हैं, डी, और इसको आगे मिला देते हैं ऐसे, तो ए डी क्या है, ओ बी के पैरालेल, और एक और लाइन हम लोग खींचते हैं क्या, ओ ए का पैरालेल यहां से बी डी लिखते हैं इसको, यानी हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट किए, इधर नहीं इधर काम हो रहा है ना, हम लोग कंस्ट्रक्ट किए एक चीज, ध्यान से समझिएगा, एक रचना किए, ड्रॉ ए पैरालेल लाइन, किसके पैरालेल लाइन हम लोग ड्रॉ किए, ओ बी पैरालेल लाइन, ये पैरालेल का साइन है ए डी, यानी समानांतर रेखा, ठीक, ओ बी पैरालेल ए डी, और एक हम लोग और क्या किए, ओ ए, ओ ए पैरालेल बी डी, ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहला क्या किया कि दो फोर्स था, एफ वन एफ टू फोर्स था, दोनों अल्फा एंगल के साथ झुका हुआ है, एंड एंगल बिटवीन एफ वन एंड एफ टू बराबर अल्फा है, और इस दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एफ वन फोर्स के साथ थीटा एंगल बनाते हुए आगे बढ़ रहा है, यही किए हैं और तो कुछ नहीं किए। और हम लोगों को निकालना क्या, आर रिजल्टेंट निकालना है, आर रिजल्टेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एक चीज और, एक और कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ना, ओ ए को क्या करते हैं, ओ ए को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस मतलब कि आगे बढ़ाते हैं, ओ ए को हम लोग क्या किए, आगे बढ़ाए, और यहां से देखिए, यहां से एक हम लोग इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे, जिसका एक अलग नाम दे दिया हम लोग क्या, ई, ड्रॉ प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब होता है आगे बढ़ाना, प्रोड्यूस ए लाइन ओ ए एट पॉइंट ई, प्रोड्यूस ए लाइन ओ ए एट पॉइंट ई एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन, ये होता है परपेंडिकुलर, प्रूफ करने के लिए दे सकता है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन डी फ्रॉम, नहीं
ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ई फ्रॉम डी, यानी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन एक हम लोग ई पर खींच रहे हैं, कहां से? फ्रॉम डी से, डी से यहां पे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन खींचती है, ऐसे हो गया, ठीक ना। चलिए अब ये ऐसे हो गया, अब यहां से देखिएगा थोड़ा सा और क्या क्या स्ट्रक्चर बनेगा। सो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ क्या हम लोग की? कुछ नहीं, बस फोर्स को लगा दिए इधर, हम लोग यहाँ पे इस तरह का एंगल बना दिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और गौर कीजिएगा कि ये जो थीटा, ध्यान देखिए ये जो थीटा, इस थीटा ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल निकालना जरूरी। जैसे देखिए आप लोग अगर मैथ में पैरालेल थ्योरम पढ़े हुए ना, तो उसमें इस तरह का अगर दो पैरालेल लाइन है और ये एक रेखा ऐसे काटते थे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं, तिर्यक रेखा ही बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये OA, सॉरी OB और AD, OB और AD क्या है, एक दूसरे के पैरेलल लाइन है ऐसे, और ये जो OE है, OE एक तिर्यक रेखा इसको क्या कर रहा, कट कर रहा। जब तिर्यक रेखा कट कर रहा है तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे, यानी यहाँ पे कोई एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ना अल्फा एंगल बन रहा है, ये अल्फा एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल वाला कितना बनेगा, ऐसे है, ऐसे ऐसे, हाँ, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल भी अल्फा ही बनेगा। कैसे अल्फा बनेगा बोलिएगा कि, तो कैसे अल्फा बनेगा, संगत कोण है, संगत कोण पढ़े ना, ऐसे ऐसे इसके बराबर ये वाला हो जाता है और इसके बराबर ये वाला हो जाता है, संगत कोण इसी को बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल। तो कोरेस्पोंडिंग एंगल के थ्रू एंगल DAE, देखिये एक स्टेप समझिएगा तो समझ जाइएगा, नहीं तो कंफ्यूज आ जाइएगा। DAE किसके बराबर होगा, एंगल DAE बराबर क्या होगा, DAE एंगल किसके बराबर होगा, BOA के बराबर, एंगल BOA लिख सकते हैं या E तक पहुंचा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को क्या मिलेगा यहां से, एंगल DAE बराबर BOA, BOA बराबर यहाँ क्या, अल्फा, यहाँ अल्फा मिल गया, यानी ये हम लोग के क्या एंगल मिला, अल्फा। देखिए ये थीटा नहीं होगा क्योंकि हमको पूरा एंगल नहीं लेना है, दोनों पैरा ले रहे हैं, तो इस थीटा वाला ये वाला नहीं होगा। कहने तो बोलिएगा कि सर आप अल्फा ले रहे हैं, थीटा कहीं ले रहे, तो थीटा नहीं होगा उसके बराबर। तो चलिए ये अल्फा निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखिए ये, अब यहाँ पे देखिए तो ये हम लोग का क्या है, ये F1 फोर्सेस था ना, ध्यान से देखिएगा, ये वाला हम लोग का क्या था, F1 फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन है, और यही जो था OB जो फोर्सेस था, यही OB फोर्सेस को हम लोग यहाँ पे लाके, यही वाला को नहीं यहाँ लाके पटके हम लोग, यानी इसी का पैरालेल। तो जितना लंबा ये होगा उतना लंबा ये होगा, जो अकॉर्डिंग टू पैरालेलोग्राम समांतर भुजा का क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो यानी जितना ये है उतना ही ये है, यानी अगर ये F2 फोर्सेस है तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं हम लोग F2 फोर्सेस। अब देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है यहाँ पे, अब क्या करते हैं ना, इसको हम लोग रिजोल्व करते हैं, देखिए बाहर निकाल देते हैं ये वाला चीज आपको, यहाँ पे देखिए इस तरह का हम लोग को ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह का देखिए, यहाँ पे हम लोग का अल्फा बन रहा है, और ये है हम लोग का क्या, ये वाला है हम लोग का F1 है, और ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का F2 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना आप लोग तो इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अच्छा इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, अच्छा इसका नाम ना, नाम मत दीजिए नाम, ये हम लोग का तो F1 फोर्स दे रहा था, सॉरी ये F2 फोर्स दे रहा था हम लोग का, F2 फोर्स है, F1 फोर्स, इसको भी इधर मिटाइए, ये वाला ना F1 फोर्स है, यहाँ नाम से काम करते हैं, यानी ये हम लोग का क्या, यहाँ से यहाँ तक है AE है, तो यहाँ से यहाँ तक लिख देते हैं AE, ये है AE, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है AD, हम लोग क्या करते हैं इसको ना रिजोल्व करते हैं। तो देखिए AE बराबर हम लोगों को क्या निकलेगा, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे, अच्छा इसको यहां से यहां तक क्या है AD है, तो इसको तोड़ेंगे तो जिसके साथ थीटा लगा रहा था उसके साथ कॉस के साथ हम लोग तोड़ते हैं, यानी इसको डायरेक्ट AD ही मान लेते, AD कॉस अल्फा, ये वाला लाइन को AD कॉस अल्फा, अगर इसको हम लोग ऐसे खींचते ऐसे, तो ये वाला क्या टूटेगा, ये वाला टूटेगा AD
एडी साइन अल्फा। ठीक, अब देखिए जितना बड़ा ये वाला लाइन में होगा उतना ही बड़ा ना ये वाला लाइन में होगा, यानी ईडी बराबर ये लाइन सेम रहेगा, यानी ईडी बराबर क्या हम लोग को निकलेगा एडी साइन अल्फा। तो देखिए यहां से ईडी ईडी बराबर क्या हम लोग को निकला एडी साइन अल्फा, और एई एई बराबर क्या निकला एडी कॉस अल्फा। इसको ना अभी एफ वन एफ टू को अभी नहीं लेकर चलते, अभी जो जो डाटा लिखे है ना ए बी सी डी अभी उसी को लेकर चलते। अब देखिए यहां तक हो गया ना, अब यहां तक होने के बाद अभी हम लोग क्या करते हैं इसको मिटाते हैं। ए ई निकल गया और ईडी निकल गया। अब हम लोग चलते हैं एक ट्रेंगल ओ ई डी में, देखिए इन ट्रेंगल ओ ई डी, तो देखिए एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है इन ट्रेंगल ओ ई डी। क्यों हम लोग ओ ई डी में चल रहे हैं, क्योंकि हमको ये वाला आर रिजल्टेंट निकालना है। तो इन ट्रेंगल ओ ई डी में देखिए तो, और वो भी राइट एंगल ट्रेंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहां से यहां तक क्या होगा ओ डी की स्क्वायर, ओ डी के स्क्वायर बराबर यहां से यहां तक देखिए ओई के स्क्वायर, ओई के स्क्वायर प्लस ईडी का स्क्वायर, प्लस ईडी का स्क्वायर। देखिए यहां पे हम लोग क्या किए हैं ओ एम ओ, अच्छा यहां से यहां तक ओई है, ओई को दो पार्ट है, एक पार्ट ओ ए प्लस ए ई दूगो है, और ईडी देखिए एई बराबर अभी जस्ट यहां से यहां तक निकालना, ये क्या हम लोग का एई बराबर ही निकालना, एई बराबर ए, इसको कंपोनेंट में तोड़ दिए एडी को कंपोनेंट में तोड़ दिए, और ये क्या निकला ईडी बराबर एडी एडी साइन अल्फा। अब यहां पे देखिए पुट करते ओडी, ओडी को ओडी ही रखने दिए, ओडी के जगह आर रिजल्टेंट हम लोग रख सकते हैं, इसलिए ओडी स्क्वायर ही रहने देते हैं, और ओई जगह क्या लिख सकते हैं ओई, ओई को लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए ई, ओ ए प्लस ए ई का होल स्क्वायर प्लस में ईडी, ईडी को ईडी ही रहने देते हैं, ईडी को ईडी स्क्वायर ही रहने देते हैं। ठीक, अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, देखिएगा ओडी स्क्वायर बराबर यहां से क्या मिलेगा ओए का स्क्वायर, ओए का स्क्वायर प्लस एई का स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा नहीं तो नेमिंग में गड़बड़ होगा तो फिर प्रॉब्लम में पहुंच जाइएगा, प्लस टू ओ ए इंटू टू ओ ए इंटू एई प्लस इधर अपना क्या हो जाएगा ईडी का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए तो एई की स्क्वायर, देखिए यहां एई और ईडी मिल रहा है ना, एई और ईडी कहां है वो एई, एई का स्क्वायर प्लस ईडी का स्क्वायर, एई का स्क्वायर प्लस ईडी का स्क्वायर, और ओ ए यहां से यहां तक ओ ए, ओ ए यहां से यहां तक, और फिर ए ई, ए ई, ए ई बराबर क्या निकला ए डी, ये है ए डी, ए डी बराबर ये है। अब देखिए यहां से समझिएगा अच्छे से, इस जगह पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, यहां पे देखिए तो ओ ए यहां है, ओ ए यहां है ना, अच्छा अब सब ना थोड़ा सा हम पुट करते हैं, पुट करते हैं ओ डी, ओ डी का स्क्वायर बराबर क्या ध्यान है ओ डी का स्क्वायर बराबर आर का वेक्टर, आर रिजल्टेंट का स्क्वायर, ओ ए, ओ ए कहां है यहां से यहां तक, ओ ए है एफ वन का स्क्वायर, यानी एफ वन के स्क्वायर प्लस ए ई कहां है ए ई, देखिए ए ई, अच्छा ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी के स्क्वायर, ए ई के स्क्वायर प्लस ई डी के स्क्वायर, इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिए तो ए ई के स्क्वायर प्लस ई डी के स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहां से यहां तक ए डी के स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देखिए इस दोनों के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं ए डी के स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस टू ओ ए, टू ओ ए, ओ ए बराबर क्या एफ वन, यहां हो जाएगा टू एफ वन इंटू ए ई, ए ई कहा है देखिए यहां ए ई, ए ई, ए ई बराबर क्या हम लोग का निकला है देखिए ए ई बराबर निकला ए डी कॉस अल्फा, तो ए ई बराबर हम लोग क्या लिख देंगे ए डी कॉस अल्फा। इस जगह पे अच्छे से समझिएगा, केवल हम लोग वैल्यू पुट किए हैं यहाँ अकॉर्डिंग टू फिगर। अब देखिए क्या हम लोग को निकलता है आर का वेक्टर का स्क्वायर बराबर एफ वन का स्क्वायर प्लस एडी, एडी का स्क्वायर, देखिए तो एडी, एडी किसके बराबर है यहां से यहां तक क्या था एफ टू था, यानी यही एफ टू आ तो ना यहाँ पे प्रोजेक्ट किए थे, देखिये हम एफ वन एफ टू स्टार्टिंग में नहीं लिए ना क्योंकि झमेला हो जाता, इसीलिए एबीसीडी में मान लिए। अब यहाँ पे एडी का स्क्वायर, क्योंकि एडी बराबर
एडी बराबर ओबी होगा, होगा समानांतर चतुर्भुज का क्या होता है, आमने सामने का साइड बराबर होता है, तो एडी के बराबर यानी एडी के बराबर ये क्या हो जाएगा, ओबी हो जाएगा। तो एडी के स्क्वायर बराबर ओबी का स्क्वायर, और ओबी का स्क्वायर बराबर यहां से यहां तक ओबी के स्क्वायर बराबर क्या है, यहां से ये एफ टू, यहां एफ टू, यानी यहां से क्या निकलेगा हम लोग को एफ टू का स्क्वायर प्लस यहां से क्या मिलेगा टू एफ वन इंटू एडी, फिर से आ गया एडी, एडी मीन्स फिर से ओबी, ओबी बराबर एफ टू, टू एफ वन इंटू एफ टू कॉस अल्फा, और ये जो अंडर रूट स्क्वायर है ये ना जाके अंडर रूट में घुस जाएगा, यही है हम लोगों का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला। अब इससे पूरा न्यूमेरिकल हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम दिस इज नॉन एज लॉ पैरेललोग्राम, लॉ पैरेललोग्राम से हम लोग ये जो रिजल्टेंट फोर्सेस था एफ1 और एफ2 फोर्सेस है, उस दोनों फोर्सेस से हम लोग ये रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिए, किए कुछ नहीं थे, बस खाली यहाँ पे थोड़ा सा वो कंपोनेंट तोड़े, कंपोनेंट तोड़ के केवल हम लोग का डिस्टेंस वाला निकाल लिए, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, और बाद बाकी क्या कर दिए पुट कर दिए। एक बार में नहीं समझ में आएगा ना तो देखिए समझने का सबसे बढ़िया तरीका स्टेप वाइज कॉपी में लिखते जाइएगा, कॉपी में लिखते जाइएगा तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, नहीं तो फिर से एक बार रिपीट करके देखिएगा ना तो समझ जाइएगा। तो रिजल्टेंट बराबर क्या निकला, अंडर रूट एफ वन प्लस एफ टू प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस अल्फा, ये अल्फा क्या है, अल्फा बराबर एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के बीच का ये एंगल अल्फा, ठीक ना, यानी अगर दो फोर्सेस दिया हो जाएगा तो दोनों का एफ वन प्लस, अच्छा एफ वन का स्क्वायर है यहाँ पे ना, एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस अल्फा, यहां तक तो हो गया। अब ना कभी कभी, अच्छा अब यहां से कभी कभी कंडीशन बना देगा, क्या क्या केस वन केस टू केस थ्री ऐसे करके बनाएगा, क्या क्या केस वन बना सकता है, केस वन बना सकता है कि अगर दोनों फोर्स, कभी कभी ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि दोनों फोर्स इक्वल हो जाए तब रिजल्टेंट फोर्स क्या निकलेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बना सकता है कि अगर दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगे, जैसे यहां तो कुछ अल्फा एंगल बना के काम कर रहा था ना, लग रहा था फोर्स, लेकिन अगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फोर्स है मतलब दोनों फोर्स है, ये दोनों फोर्स एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर ऐसे लगने लगे परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कितना निकलेगा। तो ये सब अभी हम लोग केस वन केस टू केस थ्री करके देखते हैं। इसके साथ साथ ये तो हम लोगों का इसका रिजल्टेंट निकला, ये रिजल्टेंट फोर्स का ये मैग्नीट्यूड निकला, लेकिन कभी कभी हम लोग से पूछेगा डायरेक्शन भी निकाल के बताइए कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन कहने का मतलब कि एंगल, एंगल से ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एफ वन फोर्स के रिस्पेक्ट में कितना एंगल पे आगे भाग रहा है, या एफ टू फोर्स के रिस्पेक्ट में कितना एंगल पे आगे भाग रहा है, तो यहां से हम लोग को डायरेक्शन भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, दिख रहा है ना, दिख रहा है, इसको मिटाते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट फोर्स, मेरा तो पेन ही नहीं चल रहा। देखिए डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट फोर्स मतलब कि हमको अल्फा निकालना होगा, सॉरी थीटा, अल्फा का तो काम खत्म हो गया। डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए, तो यहां पे हम लोगों का थीटा, हम लोगों को थीटा ही निकालना है, थीटा निकालना है, और यहां से यहां तक देखिए ओए तक क्या है, ओए तक एफ वन फोर्स है, जबकि ए बराबर क्या है, एडी कॉस अल्फा है, ठीक, एडी कॉस अल्फा, एडी मतलब की एफ टू फोर्स है, और फिर अच्छा यहाँ पे देखिए, तो ये जो ट्रेंगल है, ये जो ट्रेंगल देखिए, तो राइट एंगल ट्रेंगल, ये पूरा राइट एंगल ट्रेंगल है यहां से यहां तक, इस राइट एंगल ट्रेंगल को हम लोग यूज करते हैं, यूज क्या करते हैं, हम लोग को अल्फा निकालना है, तो अल्फा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी थीटा निकालना, सॉरी सॉरी, हम लोग को क्या निकालना है, टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ED डिवाइडेड बाई OE, ED
डिवाइडेड बाय ओई ओई, ठीक ना। अब देखिए ईडी डिवाइडेड बाय ओई, ईडी बराबर हम लोगों को पता है ईडी बराबर क्या होता है एडी साइन अल्फा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे एडी साइन अल्फा ईडी बराबर लिख सकते हैं ए एडी साइन अल्फा, एडी साइन अल्फा है ना, यहां थीटा था तो यहां पे अल्फा था, हाँ एडी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, ध्यान रखिएगा ये जो ओई है ओई को क्या हम लोग लिख सकते हैं ओई को लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए ई, और ओ ए बराबर कितना है एफ वन फोर्स है, एफ वन प्लस ओई, सॉरी ओई बराबर एफ वन प्लस ए ई, ए ई बराबर क्या है एडी कॉस अल्फा, मतलब यहां क्या हम लोग लिखेंगे एडी कॉस अल्फा। इस बात को आप समझिए यहां पे हम अच्छा से, इस बात को कैसे समझिएगा यहां पे देखिए, तो एडी बराबर क्या है, ये है एडी और ये है एडी बराबर क्या है ओबी, और ओबी बराबर क्या हम लोग का एफ टू है, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं एडी बराबर एफ टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिख सकते हैं एफ वन प्लस एडी बराबर क्या है एफ टू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा यानी हम लोगों को क्या निकल रहा है टेन थीटा बराबर एफ टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय एफ वन प्लस कॉस अल्फा। अगर यहां देखिए थीटा अगर एफ वन के साथ लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा थीटा अगर एफ वन के साथ लगा है तो एफ वन आराम से नीचे ऐड हो जाएगा और बाद बाकी ये जो एफ टू वाला है एफ टू के साथ साइन अल्फा प्लस एफ टू के साथ कॉस अल्फा दोनों तरफ लग जाएगा। अब हम लोगों को यहां से निकालना था थीटा, तो थीटा बराबर फाइनली हम लोगों को क्या निकलेगा, थीटा बराबर हम लोगों को निकलेगा ये जो टेन है टेन हट के एन ए चला जाएगा और ये कौन सा फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा टेन इनवर्स एफ टू साइन अल्फा, एफ टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एफ वन प्लस एफ टू कॉस अल्फा, फाइनली ये हम लोग को निकलेगा। ये क्या निकला डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू एफ वन फोर्स, यानी एफ वन फोर्स के रिस्पेक्ट में ये कितना एंगल बनाते हुए आगे बढ़ रहा है रिजल्टेंट फोर्स। कभी कभी ये भी पूछ सकता है एफ टू के भी रिस्पेक्ट में पूछ सकता है, तो एफ टू के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो ये सारा चीज चेंज हो जाएगा मैकेनिज्म, ठीक ना, तो सारा मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। या नहीं तो ये वाला अगर एंगल दे दे और तो पूरा अल्फा दिया हुआ है, अगर पूरा में से ये वाला पूरा में से ये वाला घटाएंगे तो फिर से नीचे वाला पहुंच जाएंगे, नीचे वाला पहुंच जाएंगे, तो उसके अनुसार भी निकाल सकते हैं, अभी देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट फोर्सेस निकालने आ गया होगा। थीटा बराबर क्या टेन इनवर्स एफ टू साइन अल्फा, एफ टू जो ये फोर्स दिया हुआ रहेगा डिवाइडेड बाय एफ वन प्लस एफ टू कॉस अल्फा, एफ वन प्लस एफ टू कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू वही एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के बीच का जो एंगल होगा वही हो जाएगा यहाँ पे अल्फा, ये हम लोग को निकल गया। यहां से चलिए दो चीज होगी, अब यहां पे देखिए कंडीशन केस इससे बना देगा केस की, जब दो फोर्स इक्वल रहेगा तो फिर क्या उसका रिजल्टेंट फोर्स आएगा, जब दो फोर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे रहेगा तब क्या हो सकता है, जब दो फोर्स एक दूसरे के साथ जीरो एंगल पे रहेगा यानी एक दूसरे के साथ कोलिनियर हो जाएगा तो फिर कितना उसका रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा। और अभी कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि रिजल्टेंट फोर्स कब मैक्सिमम हो सकता है, रिजल्टेंट फोर्स कब मिनिमम हो सकता है, उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ जिक्र करेंगे। लेकिन डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन का फॉर्मूला में बहुत लोग फंस जाते हैं, तो डायरेक्शन जरूर ध्यान रखिएगा कैसे डायरेक्शन निकलता, अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दूसरा बार जरूर मैकेनिज्म देखिएगा इसका क्या होता है, सो ठीक ना। तो इसको भी हम इरेज करते हैं और फिर इसको समझते हैं कि यहाँ पे केस बनाते हैं केस वन केस टू केस थ्री, और डायरेक्शन तो सबके लिए सेम ही रहेगा। तो केस वन केस टू केस थ्री बनाते हैं मेरा एफ टू है और इस दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे लोग एक करके चेक करते हैं, दोनों फोर्स है दोनों का रिजल्टेंट फोर्स बीच में जाएगा, और यहाँ पे देखिए सब सारा डाटा लिख दिया एफ वन एफ टू, इधर थीटा है यहाँ पे अल्फा है, देखिए एफ वन बराबर फोर्स वन है, एफ टू बराबर फोर्स टू है, और थीटा बराबर देखिए ये जो थीटा है वो क्या है ये रिजल्टेंट फोर्स का ये डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू एफ वन, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन है वो एफ वन और एफ टू के रिस्पेक्ट में निकलेगा, ठीक। तो एफ वन के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, और अल्फा बराबर क्या एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, आर बराबर रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। हम लोग केस बनाते हैं यहाँ पे केस वन केस टू केस थ्री केस फोर क्या क्या बन सकता है,
वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि केस वन में क्या बनेगा। सो सबसे पहले केस वन बनाते हैं। केस वन में हम लोग क्या बनाते हैं, सो देखिए केस वन हम लोग का बनेगा वेन अल्फा, क्योंकि अल्फा क्या है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है। वेन अल्फा बराबर बनाते हैं पहले जीरो डिग्री। अल्फा बराबर जीरो डिग्री करने का मतलब कि जो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा हो, तब फिर क्या उसका कंडीशन बनेगा। यहां से रिजल्टेंट फोर्स बराबर क्या निकलेगा, एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन इंटू एफ टू। और यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा, अल्फा बराबर जीरो डिग्री पुट करेंगे हम लोग ना, कॉस जीरो डिग्री। तो कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू होता है वन। तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस कॉस जीरो का वैल्यू वन। तो मिलेगा क्या हम लोग को, टू एफ वन इंटू एफ टू का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये एफ वन प्लस एफ टू प्लस टू एफ वन एफ टू ये किसके बराबर है, एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू ये किसके बराबर है, ये एफ वन प्लस एफ टू यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वही दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एफ वन प्लस एफ टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट, अंडर रूट अपना रहेगा तो देखिए होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। तो फाइनली क्या हम लोग को मिलेगा, एफ वन प्लस एफ टू। अच्छा यहां से हम लोग को क्या पता चला, एफ वन प्लस एफ टू रिजल्टेंट बराबर, यहां से कुछ पता चल रहा है, यहां से ये हम लोग को पता चल रहा है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट को दो फोर्स, एक फोर्स इधर से और एक फोर्स इधर से, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाएंगे, जीरो डिग्री मतलब सेम डायरेक्शन में लगाएंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो अल्जेब्रिक सम ही होगा, क्योंकि दोनों को एक ही साइड धक्का दे रहा है ऐसे ऐसे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे धक्का लगाएंगे तो उस पर ज्यादा असर पड़ेगा, तो वहां पे जल्दी काम होगा। जैसे कुछ भी लकड़ी है या कुछ भी बोट है, उसको आगे ले जाना तो क्या करेंगे, धक्का देंगे। बाइक है, बाइक या बड़ा सा गाड़ी ले लीजिए जो फोर व्हीलर हो, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसमें नहीं देखते, चार पांच लोग मिलकर और धक्का देते हैं। तो चार पांच लोग मिलकर धक्का दे रहे हैं, लेकिन यहाँ हम लोग केवल दो ही फोर्स के बारे में बात करें, क्योंकि ये जो पैरालेलोग्राम थ्योरम है ये दो फोर्स पे ही अप्लाई हो रहा है। अभी तक दो ही फोर्स कंसीडर किए, इसके अलावा कोई फोर्स कंसीडर नहीं किए। तो जब सब फोर्स मतलब दो फोर्स उसमें लगाएंगे तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो आराम से दोनों फोर्स को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा। ठीक, यानी जब थीटा बराबर जीरो डिग्री रहेगा तो डायरेक्ट दोनों फोर्स को अगर हम लोग अल्जेब्रिक सम भी कर दें तो डायरेक्ट रिजल्टेंट निकल जाएगा। केस वन हो गया, अब देखते हैं केस टू। देखिए केस टू में क्या हो सकता है, केस टू में होगा कि वेन अल्फा बराबर जीरो डिग्री, वेन अल्फा बराबर अपने 90 डिग्री लेते हैं। जब अल्फा बराबर 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री करने का मतलब एगो फोर्स इधर एगो फोर्स इधर ऐसे, एक होता है ना खींचा तानी करना, सेम चीज वही है। इस दोनों का रिजल्टेंट कहां भागेगा, ऐसे रिजल्टेंट भागेगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी ये एफ वन है ये एफ टू है। जैसे इसका अगर एग्जांपल बनाना है तो वो ऑब्जेक्ट है, वो इधर फोर्स लगा रहे इधर फोर्स लगा रहे, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में ना जा रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो एंगल बराबर क्या होगा, जीरो डिग्री। सेकंड कंडीशन का देखते हैं, सेकंड कंडीशन का रिजल्टेंट निकालते हैं। जनरल फॉर्मूला तो यही रहेगा, एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस अल्फा। अभी अल्फा बराबर 90 डिग्री डालकर देखते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन इंटू एफ टू कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है जीरो। तो ये टर्म पूरे कैंसल हो जाएगा, कॉस 90 बराबर जीरो, तो ये टर्म पूरे कैंसल आउट हो जाएगा जीरो। यहाँ से जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म। तो बचेगा क्या हम लोग को, एफ वन का स्क्वायर रिजल्ट निकलेगा एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर का अंडर। यानी जब एक दूसरे को हम लोग 90 डिग्री, दोनों फोर्स को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर अप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट निकलेगा एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर का अंडर रूट। एक कंडीशन और बनेगा कि जब हम लोग क्या करेंगे, जब अल्फा का वैल्यू 180 लेंगे। 180 कब होगा, मतलब कि एक वो फोर्स इधर से धक्का लगा रहा है, दूसरा का फोर्स एम से धक्का लगा रहा है, यानी दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो एंगल बराबर 180 ही होगा, क्योंकि ऐसे इधर से चलेगा इधर भागेगा, स्टार्टिंग यहां से था फिर यहां पहुंच गया, यानी एन एन यहाँ पे कितना बनता है 180 डिग्री। तो उस सिचुएशन में कितना रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा वो हम लोग चेक करते हैं। उस सिचुएशन में रिजल्टेंट फोर्स कितना निकलेगा उसको देखिए,
क्या हम लोग का रिजल्टेंट फोर्स बराबर एफ वन प्लस एफ टू प्लस टू एफ वन इंटू एफ टू थीटा की जगह सॉरी अल्फा की जगह क्या हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग अल्फा लिए दो फोर्सों का बीच कहेंगे, अल्फा की जगह हम लोग लेते हैं कितना 180। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। और एक चीज और, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर बहुत जरूरी पड़ेगा। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं आप लोग लिए हैं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लीजिए। वैसे हम आप लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे यूज करना उसका एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर यहाँ पे काम बहुत इसमें यूज होगा मैकेनिक्स में। तो देखिये कॉस 180 का वैल्यू, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है। पुट करते हैं रिजल्टेंट क्या निकलेगा, एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस क्या निकलेगा, टू एफ वन एफ टू कॉस 180 का वैल्यू -1, यानी यहां से -1 निकलेगा, कॉस 180 का वैल्यू माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 एफ वन इंटू एफ टू होगा का अंडर रूट। यहाँ पे आप देखिए क्या एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस टू एफ वन एफ टू, मतलब की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा। तो सेम चीज वही करते हैं लोग, यहाँ से रिजल्टेंट बराबर एफ वन माइनस एफ टू का होल स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर अंडर रूट है, ये से ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट बराबर क्या हम लोग को निकलेगा, एफ वन माइनस एफ टू। इसका मतलब क्या आ रहा है कि कोई एगो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में एगो फोर्स हम लोग इधर से लगा रहे हैं, एगो फोर्स हम लोग इधर से लगा रहे हैं, ये एफ वन फोर्स है, ये एफ टू फोर्स है। इस दोनों में से जिसका ज्यादा फोर्स होगा, एफ वन एफ टू में से जिसका ज्यादा फोर्स होगा, उधर क्या होगा, उधर रिजल्टेंट फोर्स के थ्रू धक्का देगा। मतलब हम इधर से धक्का दे रहा है, उधर से धक्का दे रहा है। अगर हम मेरे पास ज्यादा फोर्स है, नहीं मेरे पास तो ज्यादा फोर्स नहीं होगा, ऐसे भी एनर्जी कम है, तो उधर से क्या है, उधर से कोई ज्यादा फोर्स देगा ना, तो हम क्या जाएंगे धक्का, हम मतलब कि पीछे हट जाएंगे। तो यानी रिजल्टेंट फोर्स किधर काम करेगा, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगा दिया, ज्यादा फोर्स लगा दिया तो टोटली रिजल्टेंट मेरे तरफ आएगा, ठीक। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो वही है रिजल्टेंट बराबर एफ वन माइनस एफ टू। तीन वो कंडीशन देखे, एक वो रिजल्टेंट केस वन जब थीटा बराबर जीरो, थीटा बराबर अल्फा बराबर 90, अल्फा बराबर 180। तीनों कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, मैक्सिमम फोर्स फर्स्ट में, यानी दोनों फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लगेगा तो रिजल्टेंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जितना जितना फोर्स लगा रहा है दोनों का अलजेब्रिक सम हो जाता है। और सबसे कम जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ऑब्वियसली इधर से धक्का दे रहा है, इधर से धक्का दे रहा है, तो कम होगा ही होगा। तो आयो तीनों कंडीशन समझ में आ गया होगा। अब यहां से देखिए, कभी कभी बोलेगा ना कि दोनों फोर्स क्या है, दोनों फोर्स इक्वल फोर्सेस है। अगर दोनों इक्वल फोर्सेस रहेगा तो फिर किस तरह का रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, तो एक केस और बनाते हैं, एक केस और बनाते हैं व्हेन टू फोर्सेस आर इक्वल। जब दो फोर्सेस इक्वल रहेगा ना तो फिर कौन सा चीज निकलेगा वो चेक करते हैं। केस तीन हो गया, अभी केस फोर लिखते हैं। केस फोर में क्या होगा सो देखते हैं। केस फोर हम लोग का बोलता है व्हेन टू फोर्सेस आर इक्वल, यानी एफ वन बराबर एफ टू है बराबर एफ ले लेते हैं, यानी दो फोर्सेस दोनों फोर्स इक्वल है, तो मिलेगा क्या हम लोग का एफ का स्क्वायर प्लस यहाँ से टू एफ वन एफ टू बराबर एफ ले रहे, यानी टू एफ इंटू तक क्या मिलेगा कॉस अल्फा अंडर रूट क्या मिलेगा सो देखिए, यहाँ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मतलब टू एफ स्क्वायर प्लस यहां से क्या मिलेगा, यहाँ पे टू एफ स्क्वायर कॉस अल्फा का अंडर रूट। यहां से देखिए तो टू एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉमन निकलेगा, टू एफ स्क्वायर यहां से कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा वन प्लस कॉस अल्फा का अंडर रूट। अब देखिए वन प्लस कॉस अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन प्लस कॉस अल्फा देखिए कॉस अल्फा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू स्क्वायर होता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा, ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें बहुत यूजेज हो। अब हम लोगों को निकालना है क्या, टू कॉस स्क्वायर अगर अल्फा बाई टू माइनस वन, इसको तोड़ दिए तो इतना आया, इस माइनस वन को एनी लाइज ले आएंगे तो क्या मिलेगा कॉस अल्फा प्लस वन बराबर टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, यानी कॉस अल्फा प्लस वन बराबर क्या रख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, यानी टू एफ स्क्वायर इंटू इतना बराबर इतना, यानी टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू का ऊपरी अंडर रूट है तो अंडर रूट ही चढ़ा हुआ रहेगा, मिलेगा कि यहाँ पे टू टू जा फोर एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू। देखिए फोर
अगर 4 को अंडर रूट तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। एफ स्क्वायर का अंडर रूट तोड़ेंगे तो एफ मिलेगा। कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 को अंडर रूट के साथ तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस अल्फा बाय 2। फाइनली रिजल्टेंट ये मिलेगा, यानी वेन टू फोर्सेस आर इक्वल, जब दोनों फोर्सेस इक्वल रहेगा और कुछ भी अल्फा एंगल बनाते हुए दोनों अगर आगे बढ़ेगा तो रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालना होगा तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स बराबर 2 इंटू एफ जो भी फोर्स होगा इंटू कॉस अल्फा बाय 2 जो भी दोनों फोर्स के बीच में एंगल बनेगा हम उस एंगल का जस्ट हाफ कर देंगे तो हम लोगों को फाइनल रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो यही था हम लोगों को फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने के लिए। अब यहां से हम लोगों को मिलेगा, अब इससे क्वेश्चंस मिलेगा, क्वेश्चंस के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को ना अच्छा डायरेक्शन हम लोग का क्या था यहाँ पे, डायरेक्शन हम लोग का ये थीटा था ना, तो थीटा को हम लोग कैसे डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करते थे, इसको ऐसे बढ़ा देते थे, ऐसे था, इस तरह से फिगर बनता है यहाँ पे 90 डिग्री। हम लोग को मिलता है टैन अल्फा बराबर ये वाला क्या था, ये हम लोग का अल्फा था ना, अल्फा था तो ये वाला हम लोग का इधर क्या मिलता था, मान लेते हैं कोई भी एक इधर फोर्स है तो ये वाला क्या था, ये वाला एफ टू रहता है ना, एफ टू, यानी ये हम लोग को क्या मिलता है, एफ टू कॉस अल्फा, और ये वाला क्या निकलता है, एफ टू साइन अल्फा। तो हम लोगों को यहाँ पे टैन सॉरी अल्फा नहीं टैन थीटा थीटा निकालना है, तो टैन थीटा बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, यहां से देखिए ये वाला एफ टू साइन अल्फा, एफ टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे वाला क्या मिलता है, एफ वन प्लस एफ टू कॉस अल्फा, यानी एफ वन प्लस एफ टू कॉस अल्फा। थीटा निकालना, थीटा बराबर टैन इनवर्स एफ टू साइन अल्फा, हाँ ठीक है, एफ टू साइन अल्फा डिवाइडेड एफ वन प्लस एफ टू कॉस अल्फा। ये कैसे निकला, ये किसके रिस्पेक्ट में निकला, ये एफ वन फोर्स के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एफ वन, यानी एफ वन फोर्स के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये हुआ। रिजल्टेंट का मतलब कि थीटा कितना डिग्री पे रिजल्टेंट आगे बढ़ रहा है, यहाँ तो ये एफ वन के रिस्पेक्ट में निकला। अगर एफ टू के रिस्पेक्ट में निकालना तो एफ टू के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना, विथ रिस्पेक्ट टू एफ वन है तो एफ टू के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एफ टू ऊपर है ना, बस अगर एफ वन के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ एफ वन लिखे हैं, अगर एफ टू के रिस्पेक्ट में रहेगा तो यहाँ एफ टू हो जाएगा और बाद बाकी इधर एफ वन हो जाएगा, यानी टैन थीटा बराबर क्या हम लोग मिल जाएगा, एफ वन साइन अल्फा डिवाइडेड बाय एफ वन की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, एफ टू प्लस एफ वन कॉस अल्फा। ये किसके साथ रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू, अगर निकालना हो एफ टू फोर्स, यानी एफ टू फोर्स के कंपेयर में कितना डिग्री एंगल बनाते हुए रिजल्टेंट आगे बढ़ रहा है, तो यहां से निकाल सकते, यहां लिख दीजिए थीटा बराबर टैन इनवर्स दिख रहा होगा आप लोग को, एफ वन साइन अल्फा बराबर डिवाइडेड बाय एफ टू प्लस एफ वन कॉस अल्फा, जनरल फॉर्मूला यही बनेगा। आयो अब दिख गया होगा कितना, और ये किसके साथ है, ये विद रिस्पेक्ट टू एफ टू, क्योंकि एफ वन के साथ अगर निकालना है तो एफ वन के साथ ये थीटा निकलेगा, और अगर एफ टू के साथ निकालना है तो फिर इधर वाला निकलेगा ये वाला थीटा, दोनों के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब इससे ना हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं कि किस तरह से यहां से हम लोगों को न्यूमेरिकल दे सकता है, क्या बोलेगा न्यूमेरिकल में, ना बोलेगा कि वेन टू फोर्सेस आर अप्लाइड एट ए पॉइंट एफ वन एंड एफ टू एंड इट्स रीजन एफ वन एंड एफ टू एंड एंगल बिटवीन ऑफ दिस फोर्सेस इज इतना डिग्री, तो फाइंड रिजल्टेंट फोर्सेस, इसी तरह का क्वेश्चन देगा। तो एक एक करके क्वेश्चन हम कर लेते हैं और फिर आप लोग भी अपना बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा, देखते हैं यहां से किस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखने को मिलेगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये अभी तक केवल और केवल हम लोग दो फोर्सेस का ही रिजल्टेंट निकालने के लिए सीख रहे हैं, इसके अलावा और हम लोग कोई पास कोई फोर्सेस नहीं, अगर दो फोर्सेस से ज्यादा अगर लगेगा तो फिर लॉ ऑफ पैरालेलोग्राम कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा, साथ छोड़ देगा, तो लॉ पैरालेलोग्राम का साथ छूट जाएगा तो फिर कोई और लॉ आएगा, उस लॉ से हम लोग
बनाएंगे कि कैसे उस लॉ को और अप्लाई करके रिजल्टेंट निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं किसका रिजल्टेंट कैसे निकालेगा, क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे उसको। देखिए हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं। हम लोग का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि टू फोर्सेस 100 न्यूटन एंड 150 न्यूटन आर एक्टेड साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स इफ एंगल बिटवीन देम इज 45। देखिए दिया हुआ यहाँ पे कि दो फोर्स है, एक है 150 न्यूटन एंड एक है 100 न्यूटन, और दोनों कोई एक पॉइंट पे साथ साथ साइमल्टेनियसली मतलब होता है साथ साथ एक्ट कर रहा, इसका रिजल्टेंट पूछ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है, जबकि इसका एंगल दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना 45 डिग्री। तो देखिए इसका मैकेनिक्स का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को साइंटिफिक मैकेनिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करना तो साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना होगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर के बिना संभव नहीं है, और साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोगों को एग्जाम में भी अलाव है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं टू फोर्सेस, पहले फिगर बनाते हैं, फिगर बन जाएगा ना तो बना लीजिएगा आप लोग। जैसे देखिए दो फोर्सेस है तो एक वो फोर्सेस इस तरह से हम लोग मान सकते हैं, दो फोर्सेस है एफ वन और एफ टू है। एफ वन कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन और एफ टू कितना दिया हुआ है 150 न्यूटन। दोनों एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा मान लेते, दोनों का रिजल्टेंट इधर लागेगा और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है कितना 45 डिग्री। तो देखिए ये इस तरह से भी फिगर बना सकते हैं हम लोग, इधर से आ रहा है इधर से फोर्स आ रहा है, इस पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है, ये है 100 न्यूटन और ये है 150 न्यूटन। इस तरह से भी आप लोग बना के निकाल सकते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जब भी दो फोर्स एक्ट करेगा कोई भी एक पॉइंट पे और दोनों के बीच का कुछ एंगल बन रहा है तो दोनों को रिजल्टेंट निकालने का तरीका आर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन इंटू एफ टू कॉस थीटा, थीटा बराबर अल्फा, इसका अंडर रूट है। एफ वन बराबर कितना 100 न्यूटन, 100 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 100 गुने 150 गुने कॉस अल्फा बराबर कितना 45 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 45, इतना का अंडर रूट। अब देखिए इसको क्या करना है ना, कुछ नहीं करना, पूरा कैलकुलेशन मत कीजिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाइए, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर, और जो भी डाटा है यहाँ पे सब रख दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। और साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोग को अलाउ करेगा, एग्जाम है ना इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, मत सोचिएगा कि नहीं आता है इसीलिए सर कैलकुलेटर से बना रहे, नहीं आता है कैलकुलेशन करने जरूरी है, टाइम बचत करना है, टाइम बचाना है, ये कंपटीशन में भी अलाउ है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि केवल मैकेनिक्स का दिन ही इसको अलाउ करेगा एग्जाम में, बाद बाकी कभी भी अलाउ नहीं करेगा। धीरे धीरे आगे जाइएगा तो और भी ब्रांच पेपर आएगा, ब्रांच पेपर में भी अलाउ करेगा। तो फाइनली कितना आंसर देगा 231.76 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स है, तो 231.76 न्यूटन फाइनल रिजल्ट देगा, राउंड अप करके 232 न्यूटन लिख सकते हैं, यही इसका आंसर है, ठीक ना। याद रखिएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ता में मिल जाएगा, 600-700 रुपया लगेगा, 600-700 रुपया में आपको एक कैलकुलेटर मिलेगा, सोचिए। तो टू फोर्सेस 100 न्यूटन 150 न्यूटन हो गया ये। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन बोलता है क्या, सेकेंड क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन, इसको समझिएगा। बोलता है क्या, टू फोर्सेस आर एक्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, दो फोर्सेस है जो एक्ट कर रहा है 120 डिग्री पर, यानी दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। और आगे बोलता है क्या, द बिगेस्ट फोर्स इज 40 न्यूटन, जो बड़का फोर्स है वो 40 न्यूटन है, एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन, और इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा ना उस पे क्या है, यहां है परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वाले, वो जो स्मॉलर फोर्स स्मॉल फोर्स वाला छोटका फोर्स है वो क्या है रिजल्टेंट में परपेंडिकुलर है, तो फाइंड द स्मॉलर फोर्सेस बोल रहा है। देखिए इसका किस तरह से एक वो फोर्स ये है और रिजल्टेंट फोर्स मान लेते इधर जाएगा ऐसे, तो ये एफ वन फोर्स है और ये जो एक और ये एफ वन मतलब बड़का फोर्स है और छोटका फोर्स है ना वो क्या है इस रिजल्टेंट वहां पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ऐसे, यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये क्या हम लोग का F2 है, जबकि दोनों के बीच का फोर्स दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ 120 डिग्री, यहाँ दिया हुआ 120 डिग्री दिया हुआ, ठीक F1 F2 दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये रिजल्टेंट है।
हम लोग से क्या पूछता है कि फाइंड द स्मॉलर फोर्स, ये जो छोटा है F2 है वो पूछ रहा है, जबकि बड़का फोर्स F1 बराबर क्या दिया हुआ 40 न्यूटन। तो देखिए तो इसको कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स भी दिया हुआ नहीं, लेकिन एक चीज दिया हुआ है हम लोगों को, ये देखिए छोटका फोर्स और रिजल्टेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है और टोटल 120 डिग्री। हम लोग चाहे ना तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, टोटल 120 में से 90 घटाएंगे तो हम लोग 30 डिग्री यहाँ से हम लोग को क्या होगा मिलेगा। तो देखिए हम लोग को रिजल्टेंट के साथ एंगल यहाँ मिल रहा है, यानी रिजल्टेंट के साथ ये F1 फोर्स के साथ, तो एक तरह से हम लोग का डायरेक्शन वाला एंगल दे दिया। डायरेक्शन वाला एंगल में हम लोग क्या करते हैं टैन थीटा, अगर टैन थीटा बराबर रहेगा तो हम लोग थीटा के साथ क्या करते हैं ये F1 फोर्स है तो F1 नीचे लिखते हैं, F1 नीचे लिखते हैं, यहाँ F1 है तो F1 यहाँ लिखते हैं, और क्या लिखते हैं F2 नीचे वाला लिखते हैं cos थीटा और ऊपर क्या लिखते हैं F2 sin थीटा। फॉर्मूला देखिएगा यही होता है, जब नीचे वाला फोर्स के साथ रिजल्टेंट निकलता है ना तो फॉर्मूला ये वाला होता है, और जब ये वाला फोर्स के साथ रिजल्टेंट रहेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा F2 के जगह F1 sin थीटा डिवाइडेड बाय F1 cos थीटा, और यहाँ F1 के जगह F2 चेंज हो जाएगा। बस जो भी वैल्यू है पुट कीजिए, tan थीटा थीटा बराबर क्या है देखिए यहाँ पे थीटा बराबर ये वाला, ये तो पूरा अल्फा होता है ना थीटा 30 डिग्री, यहाँ लिखते हैं tan 30 डिग्री, अच्छा यहाँ सॉरी थीटा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा अल्फा होगा, क्या होता है F2 हम लोग से पूछ रहा है F2 साइन अल्फा, अल्फा बराबर 120 डिग्री डिवाइडेड बाय F1, F1 बराबर 40 प्लस F2 कॉस अल्फा बराबर 120 डिग्री। यहां से सॉल्यूशन करके हम लोग F2 यहां से निकाल सकते हैं, हम लोग को फाइनली मिलेगा क्या यहां से देखिएगा tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 मिलेगा बराबर F2 साइन 120 का वैल्यू होता है ना, साइन 120 का वैल्यू अगर नहीं समझ में आता ऐसे होता है √3/2, नहीं समझ में आता तो कैलकुलेटर उठाइए साइन 120 पुट कीजिए निकल जाएगा √3/2, तो यहां से क्या निकलेगा F2 √3/2 यानी √3/2 F2 √3/2 F2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ 40 प्लस अभी फिर मिल रहा है cos 120, cos 120 का वैल्यू था -1/2, तो यहाँ पे प्लस अभी नहीं होगी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/2 यानी F2 / 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा F2 / 2 हो जाएगा। यहाँ से सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन करेंगे तो नीचे से देखिए यहाँ से 2 LCM आएगा 40 × 80 माइनस F2 पे चला जाएगा तो बचेगा क्या हम लोग को √3/2, ये 2 नीचे आ जाएगा F2 ऊपर रहेगा गुने ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 40 × 80 माइनस F2 भीम के जोड़ और भीम के घटाव है, यहाँ से सोल्यूशन खुद से भी कर सकते हैं आप लोग, ये √3 से ये √3 कैंसिल आउट, यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या मिलता 80 माइनस F2 ऊपर आ जाएगा, आई होप दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए 80 इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 80 माइनस F2 सॉल्यूशन आप लोग भी कर सकते हैं 80 माइनस F2 बराबर इधर से करते √3 × √3 F2 यानी यहाँ क्या निकलेगा 3 F2 ये माइनस F2 इधर आएगा तो मिलेगा क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दिख रहा होगा इसको इधर लिखते हैं देखिए 80 माइनस F2 इधर जाएगा तो 3 × 4 यानी 80 बराबर 4 F2 यहां से F2 4 डिवाइड करेंगे तो 80 डिवाइडेड बाय 4 बराबर F2 तो F2 4 × 4 × 8 = 20 यानी F2 फोर्स क्या हो जाएगा F2 फोर्स बराबर 20 न्यूटन। यही हम लोग को क्या करना था फाइंड आउट करना था F2 बराबर 20 न्यूटन यानी F1 40 न्यूटन था ये 20 न्यूटन है। देखिए इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन देगा न्यूमेरिकल भी जस्ट सेम टू सेम इसी तरह करेगा, इसमें और आप लोगों को क्या दे सकता है सो बताते हैं, यहां से आप लोगों को और क्या दे सकता है वो समझिएगा, यहां से आप लोगों को और इस तरह से दे सकता है ना कभी बोलेगा नहीं कि दोनों फोर्स इक्वल है या कभी कभी बोलेगा नहीं कि दोनों के बीच का एंगल ऐसे है तो वैसे है मतलब ऐसे वैसे नहीं कभी जैसे यहाँ पे हम लोग को एक F2 फोर्स पूछा ना उसी तरह से कभी F1 फोर्स पूछ सकता है कभी दोनों के बीच में एंगल भी पूछ सकता है यानी रिजल्टेंट दे देगा फोर्स भी दे देगा और बोलेगा नहीं कि दोनों फोर्स के बीच एंगल निकाल के बताइए तो एंगल भी निकालने के लिए देगा तो उसी तरह से आप लोग बना सकते हैं। आई होप इतना सारा मैकेनिज्म समझ चुके हैं वही यही है बस आप लोगों का रिजल्टेंट फोर्स निकालने का तरीका। याद रखिएगा पैरालेलोग्राम थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को उसके बिना फिर संभव नहीं है
फोर्सेस निकालना, और ये पैरालेलोग्राम केवल केवल टू फोर्सेस के लिए, और जब मोर देन टू फोर्सेस आता है ना तो फिर उसके लिए और अलग अलग नियम आ जाते हैं। जैसे कि मोर देन टू फोर्सेस आ जाएगा ना तो फिर हम लोगों को और अलग अलग नियम आ जाएगा। जैसे एक नियम पढ़ना होगा हेरिगोनन प्रिंसिपल या मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ना होगा। लेकिन इसके साथ साथ रिजल्टेंट निकालने का एक और हम लोग का मेथड था, क्या था, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से कैसे हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं वो देखते हैं। देखिए रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में करना कुछ नहीं रहता, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में करना कुछ नहीं। कोई भी अगर एक प्लेन पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है ना तो सब फोर्स को क्या करना, रिजोल्व कर देना है वही साइन और कॉस के फॉर्मेट में, और होरिजोंटल फोर्स और वर्टिकल फोर्स निकाल देना है और रिजल्टेंट भी उसके बाद निकल जाएगा। अभी सिखाते हैं सेकेंड मेथड था हम लोग का, ये तो एनालिटिकल मेथड हम लोग देखे थे, और दूसरा था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस था उसको भी हम लोग देखते हैं। उसका देखिए नियम क्या है, उसका देखिए सेकेंड वाला का देखते हैं, आर एस वेल रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। देखिए इसको हम लोग कैसे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इससे हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए ये मोर देन टू फोर्सेस के लिए है, ठीक, इसलिए इसमें टेंशन नहीं लेना कि दो ही फोर्सेस के लिए, मोर देन टू फोर्सेस। इसमें करना क्या रहता है, अगर कोई भी एक प्लेन है कहीं पे भी, मतलब कि कहीं पे भी कैसों फोर्स लग रहा है, इसमें केवल करना क्या है कि केवल दो फोर्स निकालना है, एक समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस टोटल, जितना भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकाल लीजिए, और फिर एक और निकालना समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्सेस, दोनों निकाल दीजिए। जैसे भी फोर्स दिया हुआ रहेगा तोड़ ताड़ के इधर उधर करके, मतलब फोर्स को रिजोल्व करके समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल और समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल निकाल दीजिए, और इसके बाद निकालना रहेगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करना है, अंडर रूट समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर, जो भी फाइनल आएगा उतना ही न्यूटन क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्सेस, ठीक। अब तो ये रिजल्टेंट फोर्सेस हो गए, और अगर हम लोग यहां से डायरेक्शन निकालना हो, अगर यहां से हम लोग को डायरेक्शन निकालना हो तो वही डायरेक्शन वाला सेम नियम, टैन थीटा बराबर समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्स, क्योंकि भी ऊपर रहता है ना, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, तो सम ऐसे 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 नहीं ऐसे ना, तो टैन थीटा बराबर समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल बराबर समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो थीटा बराबर यहां से क्या निकलेगा, टैन इनवर्स समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्सेस बराबर समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यही हम लोग को निकल जाएगा थीटा। अब जैसे देखिए डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस किस तरह का होता है, ये कोई प्लेन है यहाँ पे एगो फोर्स ऐसे लग रहा है, एगो फोर्स बोलेगा नहीं हम ऐसे लगेंगे, फिर एगो फोर्स बोलेगा नहीं हम ऐसे ही लगेंगे, तो सबका फोर्स देखिए अब कुछ यहाँ एंगल दे देगा 30 डिग्री दे देगा, इधर दे देगा 20 डिग्री दे देगा, इस सीधे सीधे दे देगा, यहाँ एफ वन फोर्स दे देगा, एफ टू फोर्स दे देगा, एफ थ्री फोर्स दे देगा, इसको थीटा वन थीटा टू मानते, थीटा वन थीटा टू थ्री। इसको करना क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स में केवल कन्वर्ट कर देना। ये देखिए ये फोर्सेस है, इस फोर्सेस को रिजोल्व करते हैं, तो देखिए इस प्लेन के साथ लगा हुआ है, तो इस प्लेन के साथ अगर इधर आ रहा है तो इस प्लेन के साथ ये क्या जाएगा, इधर भागेगा। डायरेक्शन भी ध्यान रखिएगा कि किधर किधर भाग रहा है, डायरेक्शन इधर भाग रहा है, तो इसको रिजोल्व करते हैं, क्या रिजोल्व करेंगे, एफ वन कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, और देखिए वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ वन साइन थीटा, इसके साथ भी वैसे ही करेंगे, इसके साथ भी वैसे ही करेंगे, और टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स टोटल वर्टिकल फोर्स निकाल देंगे, और फाइनली आंसर आ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स निकालने का ये वाला तरीका, ये को देखते हैं इस पे भी क्वेश्चन हम लोग अप्लाई करके कि किस तरह से रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से टोटल रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये मोर देन टू फोर्सेस के लिए, कितना भी फोर्स रहा है उससे इसको मतलब नहीं है, बस खाली जितना हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगा, लेकिन डायरेक्शन याद रखिएगा, अगर मान लेते हैं एक का इधर जा रहा है एक का इधर जा रहा है, तो दोनों को जोड़ना नहीं है, एक को प्लस, एक डायरेक्शन को प्लस मान रहे तो दूसरा डायरेक्शन में आपको माइनस लेना है, यानी अल्जेब्रिक सम करना डायरेक्शन के हिसाब। जैसे एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के थ्रू कैसे हम लोग न्यूमेरिका बना सकते हैं। देखिए इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं, हम लोगों को दिया हुआ है क्या, हम लोगों को दिया हुआ है कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगल। देखिए यहाँ पे ऐसे कॉर्नर सबका रेक्टेंगल, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रहा है, अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना कहाँ लगेगा और कितना एंगल पे लगेगा, दोनों निकालते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल, वर्टिकल फोर्स मतलब कि जो ऊपर ऊपर फोर्स लग रहा है ना
ऊपर नीचे उसी को ले लेना है बस, ठीक ना। जैसे देखिए टोटल ऑफ वर्टिकल फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, देखिए एक साइन कन्वेंशन मान लीजिएगा कि जब फोर्स ऊपर की ओर लगे तो प्लस लेंगे, और जब फोर्स नीचे की ओर लगे तो उसको क्या हम लोग लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक। ध्यान रखिएगा, जब फोर्स ऊपर की ओर लगे तो प्लस लेंगे और जब फोर्स नीचे की ओर लगे तो माइनस लेंगे, फर्स्ट हो गया। सेकेंड कंडीशन कि जब फोर्स राइट की ओर लगे तो उसको प्लस लेंगे और जब फोर्स लेफ्ट की ओर लगे तो उसको हम लोग माइनस लेंगे। ये साइन कन्वेंशन का यूज कीजिएगा। जैसे समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, तो वर्टिकल फोर्स मतलब अगर नीचे की फोर्स लग रहा है कितना कितना, ये देखिए इसका डायरेक्शन नीचे की ओर 50 न्यूटन, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर 35 न्यूटन, इन दोनों का -50 -35 बराबर -85 न्यूटन, ठीक। -85 न्यूटन और समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, देखिए टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज अगर राइट साइड की ओर लगे, राइट साइड की ओर 25 न्यूटन प्लस, और लेफ्ट साइड की ओर लगे तो 20 न्यूटन माइनस। समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल 25 में से 20 या 5 न्यूटन। ध्यान रखिएगा, समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्स माइनस में, समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स प्लस में 5 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स क्या निकलेगा, रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा अंडर रूट समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर। इसको बोला जाता है समेशन। समेशन मतलब कि जितना भी छोटा छोटा फोर्सेस है एक एक्सिस पर, जितना जितना भी छोटा फोर्सेस है वाई एक्सिस में, सबको क्या कर देना है, जोड़ देना, ऐड कर देना, बस यही बताता है। समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 5 का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्स कितना, -85 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर बार सोल्यूशन कीजिए, 5 × 5 = 25 प्लस यहां से 5 × 5 = 25 आओ 8 × 1 = 72 होगा, देख लेते हैं 85 का स्क्वायर 72 = 25, ठीक है। अब अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 25 + 72 = 25 फाइनली क्या मिलेगा, फाइनल मिलेगा 85.14 टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना निकला, 85.15 न्यूटन, ठीक है। टोटल तो निकल गया रिजल्टेंट फोर्स 85.15 न्यूटन। कौन सा डायरेक्शन में हम निकला, अब इसको भी निकालते हैं हम लोग। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, टैन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक ना। अच्छा टैन थीटा बराबर, अच्छा ये हम सब लोग थीटा निकालते, तो थीटा बराबर क्या निकलेगा, थीटा बराबर टैन इनवर्स समेशन ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्स कितना है, समेशन टोटल वर्टिकल फोर्स -85 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स 5, काटते हैं 13 × 5 = 85 5 × 3 = 15 मतलब बचा क्या हम लोग को, थीटा बराबर टेन इनवर्स -13। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स -13 का वैल्यू क्या, अब थोड़ी ना निकाल पाएगा आप अपने से, तो क्या करना होगा, कैलकुलेटर में दबाइए और क्या, टेन इनवर्स किधर है, टेन इनवर्स -13 टेन इनवर्स -13 करने का मतलब कि हम लोगों को थीटा बराबर निकलेगा क्या, -85 डिग्री, -85.6 डिग्री निकलेगा, 85.6 डिग्री निकलेगा, ठीक। अच्छा 17 × 5 = 5 × 3 = 13 × 85 शायद, या 17 × 5 = 85 5 × 5 = 3 × 5 = 35 17 तो यह -17 निकलेगा। फिर से कैलकुलेट करना होगा, हाय भगवान। अच्छा होता है मिस्टेक कभी कभी, तो -86.6 आएगा, ठीक, इतना डिग्री। अब ये देखिए -86.6 कहने का मतलब कि रिजल्टेंट समझ रहे, माइनस में शो कर रहा है यहाँ पे। देखिए हम लोगों को निकला क्या था, वर्टिकल फोर्सेस माइनस में,
हॉरिजॉन्टल फोर्सेस प्लस में यानी वर्टिकल फोर्सेस माइनस में, यानी नीचे अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलिए। अगर वर्टिकल फोर्सेस देखिए नीचे हम लोग ले रहे हैं यानी माइनस में भाग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यानी प्लस में यानी एन ए भाग रहा है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट में घुसेगा, इस क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट घुसेगा। रिजल्टेंट कौन सा क्वाड्रेंट में घुसेगा, रिजल्टेंट घुसेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट घुस रहा है और यहाँ थीटा बराबर माइनस होकर रहा है, तो माइनस कहने का मतलब ये इस डायरेक्शन में ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, ट्रायंगल कौन सा, यानी माइनस कहने का मतलब कि 86.6 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए हॉरिजॉन्टल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 86.6 डिग्री का कोण बनाते हुए रिजल्टेंट नीचे की ओर भाग रहा, यानी रिजल्टेंट फोर्स इधर भागेगा, इसका टोटली रिजल्टेंट एने लगेगा। यही देखिए यही होता है जब बिल्डिंग वेल्डिंग बनता है ना, तो इसी तरह से बनाया जाता है, जिधर मैक्सिमम रिजल्टेंट भागता है ना उधर रॉड सरिया यह सब थोड़ा मजबूत से बनाया जाता है। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया, नहीं तो फिर कभी कभी क्या आप बोलेगा, कभी कभी अगर इधर से ऐसे लीजिएगा तो इधर से फिर निकालना होगा, इधर से कि यहां से इस हॉरिजॉन्टल के एक्सिस से यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहां से कितना एंगल से ये घूम रहा है, तो फिर माइनस कर दीजिएगा 360 माइनस 86.6 जो भी आएगा फाइनली अपना आंसर होगा। लेकिन अगर कहीं भी कीजिए रिजल्टेंट वह एकरे में भागेगा एने कहीं, और यहां से इस हॉरिजॉन्टल से लीजिएगा तो इधर 86.6 डिग्री पर भागेगा, अगर इधर से लीजिएगा तो माइनस करिए देते हैं, कैलकुलेटर है तो क्या दिक्कत है, 360 माइनस 86.6 यानी 86.6 यानी 273.4 क्या मिलेगा, 273.4 डिग्री, ये भी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन कर देना होगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 86.6 डिग्री या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 273.6 डिग्री, कोई भी दोनों का एंगल लीजिएगा यह जगह लाइन पे पहुंचिएगा। तो यही है रिजल्टेंट निकालने का तरीका, अगर मोर देन टू फोर्सेस है ना, मोर देन टू फोर्सेस, इस तरह से आप लोग आराम से निकाल सकते हैं यार, ठीक ना। इसी तरह से देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन इसे आप लोगों को देगा, अभी क्या अभी तो ये छोटा सा, इसी तरह से कभी कभी और बहुत सारा फोर्स डाल देगा आप लोगों को, इस तरह से फोर्स अप्लाई कर देगा, ऐसे दे देगा, कभी एनेक्ट कर देगा, ऐसे कर देगा, एंगल कुछ कुछ मेंशन कर देगा। तो ध्यान देखिए कोई कैसू फोर्स दे, बस रिजोल्व करने जानिए, रिजोल्व करने के लिए बताया थे अगर थीटा इसके साथ लगा रहेगा, ये एगो कोई फोर्स रहेगा पी फोर्स रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल वाला के साथ क्या लगेगा पी कॉस थीटा, वर्टिकल वाला के साथ लगेगा पी साइन थीटा, इसी के साथ सबको रिजोल्व करते जाइए, टोटल समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस प्लस में टोटल समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस दोनों निकालिए, साइन कन्वेंशन को मानते हुए, साइन कन्वेंशन याद रखिएगा नीचे की ओर माइनस ऊपर की ओर प्लस, राइट की ओर प्लस लेफ्ट की ओर माइनस, यही है साइन कन्वेंशन। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा, यहां तक जिन लोगों को भी समझ में आया होगा बताइएगा कि का समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए इस लेक्चर को ना यहीं तक रखते हैं, ठीक, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, एक लेक्चर और देंगे जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड और बेसिक न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल को उसमें करेंगे, और इसके अलावा दो चीजें भी और आप लोगों को बचा, एक मोमेंट ऑफ फोर्स बचा है और एक वैरिगोनन प्रिंसिपल बचा है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स और वैरिगोनन प्रिंसिपल दोनों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें भी अच्छे से देखेंगे, अभी जैसे कि अभी तरीका और देखेंगे डिफरेंट तरीका से कैसे कैसे हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, फिर हम लोग कुछ समय बाद देखेंगे ना कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये तो एंगल के थ्रू एक्ट कर रहा है, अगर कोई लीनियरली लगेगा तो एगो कोई भी फोर्स से कितना दूर पर रिजल्टेंट जाके लगेगा, ये सब भी अभी हम लोग चेक करेंगे, वो सब नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को मैकेनिक्स का दो पार्ट दिए हैं, दोनों पार्ट आप लोग अच्छे से देखे होंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देखिए इस तरह का देखिए न्यूमेरिकल मिलना शुरू हो चुका है, तो न्यूमेरिकल सोल्यूशन करना बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है न्यूमेरिकल सोल्यूशन करवाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी ना हो, ठीक। बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, आप लोग जरूर फीडबैक नीचे दीजिएगा, सब लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, अगर एक बार में नहीं समझ में आया होगा क्योंकि नया नया है, एक बार फिर से देखिएगा लेक्चर,
एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखिएगा, लेक्चर जरूर समझ में आएगा। ठीक, थैंक यू, बाय।